हेलो गाइस वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब इज मनीष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एस लेक्चर्स तो जैसे कि गाइस आप सभी को मालूम है बी ई वी ए वन ए टू आपका सब्जेक्ट कोड है एनवायरमेंटल स्टडीज आपके बुक का नाम है एंड देन आज जो है हम यूनिट थ्री पढ़ने वाले हैं यूनिट थ्री में हमारा टॉपिक जो है वो मेजर इकोसिस्टम रहने वाला है इससे पहले हमने यूनिट टू में क्या है जस्ट हमने बेसिकली इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसमें जो माइनर जो क्या थे उसमें जो टॉपिक्स थे इकोसिस्टम के बारे में जस्ट लाइक अ अब बायोटिक एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट हो गया देन उसके बाद ट्रॉपिक लेवल हो गया ट्रॉपिकल लेवल जो आपके वेरियस वेरियस ऑर्गनिज में होते हैं देन उसके बाद आपका गैसियस साइकिल हो गया जस्ट इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा था और तो और जो जिनके पास बी बी वाई सी टी वन थ्री थ्री वाला जो सब्जेक्ट है यानी बॉटनी का जो दूसरा वाला बुक है जिनके पास है उन्होंने भी जस्ट सिमिलर टॉपिक्स क्या है उन बुक्स में पढ़ा है तो ज़्यादा उन लोगों को तो दिक्कत होने वाली है नहीं अब मेजर इकोसिस्टम में ज़्यादा कुछ है भी नहीं ठीक है तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में इसको क्या है पूरा कम्प्लीट कर सकें ठीक है तो देन आप क्या है फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो कि आपका एट द रेट है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से जाके आप अपने टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा ठीक है तो देन आप सभी को जैसा कि मालूम है कि आपका जो आज का टॉपिक होने वाला है जिसमें हम मेजर इकोसिस्टम्स के बारे में जस्ट हम बात करने वाले हैं मेजर यानी आप समझ रहे हो ना आ, जो कि एकदम हायर टाइप जो इकोसिस्टम्स हैं उनके बारे में हम जस्ट डिस्कस करेंगे ठीक है तो मेजर इकोसिस्टम्स में आपके क्या क्या हो गए तो आप सभी को मालूम है फॉरेस्ट इको हो गया ग्रासलैंड इको हो गया डेजर्ट इको हो गया एक्वेटिक इको हो गया एक्वेटिक में भी बहुत सारे आपके मिल जाएंगे फ्रेश वाटर इको सिस्टम लॉकटिक इको सिस्टम रिवर्स हो गए मरीन इको सिस्टम हो गया एंड एक स्टोरेज हो गया ये सारी चीज़ों को हम क्या है स्टडी आज करने वाले हैं ठीक है थेके? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कोई ज़्यादा ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक है नहीं बस हम पढ़ते इसलिए कि हमें हमें क्या हो अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या हो काफ़ी सारे नॉलेज हम गेन कर सके ठीक है ऐसा नहीं है कि इसके पेपर में आएगा तो ही हम इनको इंपॉर्टेंस देंगे हमें इन्वायरमेंट को लेकर हमें सजग रहना चाहिए जागरूक रहना चाहिए इसलिए हमें इस चीज़ों को पढ़ना हर किसी के लिए ज़रूरी है तभी तो ये सब्जेक्ट आपके क्या है चाहे आपके कॉमर्स में हो स्टूडेंट हो चाहे आपके आर्ट्स में हो चाहे आपके क्या कहते हैं जो भी आपके बेहे सब्जेक्ट्स वाले हैं सभी को ये प्रोवाइड मतलब दिया जाता है सब्जेक्ट्स है ना ताकि वो सभी अपने क्या है इन्वायरमेंट के बारे में जान सके ठीक है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है देन आज का जो आपका एग्ज़ाम होगा काफ़ी अच्छा गया होगा है ना जिनका केमिस्ट्री का पेपर था क्योंकि मैंने जो आपको क्या कहते हैं क्वेश्चंस वगैरह बताए तो जस्ट उसी से आपके कह रहे रिलेटेड आया हो सक थोड़ा सा देर हो गया था मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाया इंटरनेट ना होने के कारण एंड क्या कहते हैं पूरा मैं कंप्लीट नहीं कर पाया सॉल्व नहीं कर पाया तो देन आपके लिए वीडियो लाने में काफ़ी देर हो गया एंड देन मैंने लास्ट में सोचा कि आपको कम से कम क्या है कि आपको जो टॉपिक्स वगैरह वही क्लियर कर दो ठीक है तो आई होप सो आप सभी का एग्जाम अच्छा गया हो है ना और और अच्छे नंबर गेन करो आप तो देन इसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप जाइए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम टाँट मिलती रहे तो जैसे कि आप सभी को मालूम है प्रीवियस यूनिट में हमने क्या पढ़ा था इको और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था ठीक है आप सभी को ये भी मालूम होगा कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी बहुत बड़ी है और इसमें क्या है बहुत सारे आपके इको सिस्टम्स है ना जिसको हम आ, मतलब एक बिग इको है मतलब हमारे क्या कहते हैं एक जो ग्लोब है गोला है हमारा नीला कलर का आप सभी को मालूम है ना तो उसी गोले का अगर हम कहें बिग इको जो है वो मिलकर आपका बायोस्फेयर बनाता है जिसमें आपका कौन कौन सा आता है तो आपका एटमोस्फेयर हो चाहे हाइड्रोस्फेयर हो है ना एटमॉस्फेयर हो चाहे हाइड्रोस्फेयर हो चाहे आपका लिथोस्फेयर हो ये सारे मिलके आपके क्या बनाते हैं आपका बायोस्फेयर का फॉर्मेशन करते हैं आपका जो वर्ड है इकोसिस्टम आप सभी को मालूम है इको एंड सिस्टम से मिलके बना है इको जस्ट आपका क्या होता है हैबिटेट हो गया सिस्टम का मतलब क्या होता है किसी चीज को कॉम्प्लेक्स या मैं बोलूँ इंटरकनेक्ट करना आपस आप में क्या है कॉम्पोनेट्स को ठीक है जिसमें आपका क्या हो रहा हो बोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही आपस में कनेक्ट हो रहे हो ये सारी चीजें बेसिक आपको टर्म्स मालूम ही है इकोसिस्टम में जस्ट आपका क्या है जस्ट रिलेशन बिटवीन क्या है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग ठीक है आ, उनके बीच में जो रिलेशन है आपका वही आपका जस्ट इकोसिस्टम में होता है परफॉर्म देन उसके बाद हम बात करें जो ये सिस्टम है इंडिकेट करता है कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टी को है ना जैसे हम इको सिस्टम कहते हैं और कंसीडर करते हैं एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर क्या है फंक्शनल मतलब इसी के द्वारा आपका जो प्रकृति है है ना ये जो यूनिट है इसी के थ्रू आपका जस्ट ये वर्क करता है देन बात करें आगे इको सिस्टम को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं आपका पहला कौन सा हो गया टेरिस्टेरियल दूसरा आपका हो गया एक्वेटिक ठीक है तो इसमें आपका मेजर जो है आपका टेरिस्टेरियल होता है इको सिस्टम जिसमें आपका क्या क्या आ जाता है आपका फॉरेस्ट आ जाता है ग्रासलैंड आ जाता है डेजर्ट आ जाता है लेक आ जाता है रिवर ओशन, एंड वेर ये स्टोरेज भी आ गया एंड वेटलैंड्स हो गया ये सारे मिलके आपका क्या है एक एक्वाटिक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है देन उसके बाद हम देखें इस यूनिट में तो इस यूनिट में हम जस्ट डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ टेरिस्टेरियल एंड एक्टिक इकोसिस्टम के बारे में ठीक है हम टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में भी हम अलग अलग से पढ़ेंगे देन उसके बाद हम बात करें इसमें और हम क्या क्या चीज़ जानने वाले हैं हम ये भी जानने वाले हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट है ग्रास है इसका हमारा क्या इंपॉर्टेंस है एक्वेटिक सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है देन उसके बाद चैप्टर से पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पढ़ने के बाद आपको क्या आउटकम्स मिलने वाला है तो जस्ट हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे किसके बिटवीन तो आपका जो टाइप्स ऑफ टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम है जैसे कि ग्रासलैंड हो गया फॉरेस्ट हो गया डेजर्ट uh, हो गया इनके बीच में आप क्या है डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप पहचान सकते हो कि भाई ग्रासलैंड uh, कैसा होता है या डेजर्ट कैसा होता है ना देन बात करें डिस्क्राइब कर सकते हैं हम जनरल फीचर जैसे कि आपका बायोटा ऑफ ग्रासलैंड हो गया या फॉरेस्ट हो गया डेजर्ट हो गया कौन कौन से बायोटास प्रेजेंट होते हैं देन उसके बाद हम बात करें डिस्क्राइब करेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट जैसे कि ह्यूमन वेलफेयर में मानव जाति के विकास में या मैं वो मानव जाति के, के कल्याण

तो आप सभी को मैं क्या है मैं बता दूं आप सभी को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का भी जब एग्जाम होने होएगा तो उससे पहले मैं आपको क्या है इसके भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा एंड देन uh, मैं uh, क्या कहता हूँ गारंटी uh, के साथ कहूँगा कि आपके इसमें अच्छे मार्क्स uh, आएंगे ठीक है तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो जो आपका पूरा दुनिया है वर्ल्ड जो है आपका क्या है ये जो सॉरी वर्ल्ड जो है फॉरेस्ट जो है वो डराइव किससे होता है तो एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है फॉरेस्ट क्या है नाम Forest, forest से ये derive होता है। इसका मतलब क्या होता है outside. क्या होता है? इसका मतलब आउटसाइड इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है आउटसाइड ठीक है और ये जो रेफरेंस जो है मतलब ये दिया गया किस तरीके से जैसे कि विलेज बाउंड्री हो गया फेंस हो गया ना जो कि आपका क्या है इंक्लूड किया जाता है वैसे जगह पे जहां पे आ, मतलब वह वैसा एरिया जहाँ पे अनकल्टिवेटेड यहाँ मतलब वहाँ पे खेती नहीं की गई हो या फिर वैसा लैंड जो कि आपका क्या हो अनहेबिटेटेड हो यानी वैसा मतलब जहाँ पे हम रह नहीं सकते वैसा समझ रहे हो ना बात आप वैसी जगह पे रहोगे जहाँ पे हम कल्टिवेट कर सकते हैं जहाँ पे आपके क्या हो आप वहाँ पे आ, आराम से घर वर बना सकते हो है ना रहने के लिए सारी सुविधाएं हो तो आपका जंगल में जस्ट वैसा नहीं होता तो देन ये क्या है वैसे रीज़न को हम क्या कहते हैं फॉरेस्ट कहते हैं या आउटसाइड एरिया कहते हैं है ना तो देन उसके बाद आपका जो टुडे की ये कह रहे हैं कि जो जंगल है आपका ये जस्ट इसमें जो लैंड है मैनेज फॉर द डाइवर्स पर्पज ऑफ फॉरेस्ट्री ठीक है आज जो हम इस तरीके इस एरिया को हम किस तरीके से जंगल को मैनेज करते हैं डाइवर्स पर्पज ऑफ फॉरेस्ट किस तरीके से मतलब जो जंगल से जो हम उत्पाद एक तरीके से प्रोडक्ट हम कलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे लिखा भी है यहाँ पे वेदर यहाँ पे लिखा है कवर्ड विथ ट्रीज आपका क्या है जंगल कैसा होता है ट्रीज से कवर्ड होता है उसमें शर्ब्स होते हैं क्लाइंबर्स होते हैं वो जो चढ़ने वाले जो पौधे होते हैं ना जस्ट देन uh, उसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट इको इंक्लूड करता है एक कॉम्प्लेक्स असेंबलेज किसका तो डिफरेंट काइट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़ ठीक है उसमें अलग अलग प्रकार के आपको बायोटिक कम्युनिटीज़ मिल जाएंगे देन उसके बाद हम बात करें नेचर ऑफ सॉइल की क्लाइमेट की या फिर लोकल टोपोग्राफी टोपोग्राफी यानी जो भी आपका लैंड का स्ट्रक्चर होता है ऊंचा नीचा जो भी है तो उसी की बात करें टोपोग्राफी वो डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज ठीक है आपका क्या है ऊंचाई पे अलग टाइप के पेड़ मिलेंगे नीचे आपको कई अलग टाइप के पेड़ मिलेंगे तो जस्ट ये जो एबेंडेंस है फॉरेस्ट वेजिटेशन का वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा एज अ टोपोग्राफी एज अल्टी अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो आपको अलग अलग हम मिल सकता है ठीक है देन उसके बाद करेक्टर्स टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में जो सबसे आपका ये जो छोटा छोटा जो ये है ये जस्ट आपके ओशंस के पास होते हैं ज्यादा तो ये आपका टुंड्रा फॉरेस्ट कहलाता है क्या कहलाता है टुंड्रा फॉरेस्ट देन ये जो आपको शंकुआ या मैं बोलू कॉनिकल ट्रीज uh, है ये इसको हम बॉरियल फॉरेस्ट कहते हैं ठीक है इस टाइप के कॉनिकल होते हैं देन उसके बाद मिक्स टेम्परेट फॉरेस्ट है ये जो आपके क्या है टेम्परेट जोन में अर्थ के जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे ये ग्रो होते हैं देन उसके बाद हम बात करें टेम्परेट जैसे कि हमारा भारत हो गया इंडिया हो गया है ना इंडिया में भी आपका वो कौन से जोन में आता है टेम्परेट जोन में आता है और यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर जंगल पाए जाते हैं वो टेम्परेट जोन के जंगल होते हैं देन यहाँ पे टेम्परेट डेसीडूवर्स फॉरेस्ट है देन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है ठीक है जस्ट आपके इक्वेटर के पास होते हैं एंड देन उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होता है वो जस्ट आपका बहुत ही ज़्यादा क्या होता है ऊंचे ऊंचे और क्या होते हैं काफ़ी लंबाई होती है उनकी ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं ठीक है यहाँ पे सनलाइट भी प्रॉपर पड़ती है वाटर भी प्रॉपर मिलता है तो सबसे ऊँचे ऊंचे पेड़ आपको वहीं पर मिलेंगे घने जंगल वहीं मिलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया है कॉर्नीफेरस कॉर्नीफेरस सॉरी तो एक चीज़ मैं आपको बताने की पहले कोशिश करता हूँ जैसे कि अगर मुझे ग्लोब बनाना हो तो मैं यहाँ पर एक ग्लोब बनाता हूँ ठीक है ग्लोब है ठीक है और यहां पे आपके थ्री लाइंस होते हैं ये चीज़ में भी मैंने बता ही रखा है जस्ट आपको है ना इस तरीके से थ्री लाइन होते हैं इस तरीके से तो जो बीच वाला आपका होता है इक्वेटर होता है इक्वेटर होता है और ऊपर वाला आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है नीचे वाला आपका क्या होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है ठीक है मकर कर्क रेखा मकर रेखा और ये क्या है इक्वेटर है कैपरी कैप्रिकॉन ठीक है कोई दिक्कत तो देन आपको मैं बता दूं, जो ये जस्ट ऊपर होता है किसके आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन कहते हैं क्या है ये वाला जो, जो जोन होगा ये टेम्परेट कहलाएगा ठीक है ना ज्यादा आपका ये एरिया गर्म होगा ना ज्यादा आपका ये ठंडा होगा टेम्परेट जोन होगा देन इसके नीचे जो आपका क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे सॉरी कैप्रिकॉन के भी नीचे आपका जोन क्या कहलाएगा कह? टेम्परेट कहलाएगा ठीक है टेम्परेट देन इक्वेटर के ऊपर वाला जो आपका रीजन कहलाएगा या तो टॉरिड कहलाएगा या फिर इसको हम सब ट्रॉपिकल कहेंगे क्या है सब ट्रॉपिकल रीजन कहेंगे ठीक है ट्रॉपिकल रीजन कहेंगे इसके नीचे भी आपका सब ट्रॉपिकल होगा और जो आपका बिल्कुल ही इक्वेटर के क्लोज होगा या मैं बोलो इक्वेटर के आसपास वाले या इक्वेटर से गुजर रहे इक्वेटर से गुजर रही जो भी आपकी क्या कहते हैं कंट्री है या सिटीज़ है जो भी आपका इक्वेटर पर जो पड़ता है वो आपका जस्ट ट्रॉपिकल कहलाएगा ठीक है तो इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं, नहीं चाहिए यहाँ पर जस्ट इनके आ, ये इमेजनरी लाइन्स क्या है एक तरीके से इन रीजन को डिवाइड करने का काम करती हैं एंड इसी से हम क्या है कई सारे फॉरेस्ट को इंडिकेट करते हैं ये वाला जो रीज़न हो गया आपका ये वाला रीज़न आपका जस्ट कोल्डर एरियाज हो गए यानी जस्ट ये हमारा क्या है नॉर्थ पोल साउथ पोल है है ना ये यह यहाँ पे आपका वेजिटेशन माइनर होता है वेजिटेशन यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे नहीं मिलते हैं ठीक है तो यहां पे हम इनकी बात नहीं करते हम बेसिकली हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर की बात करते हैं एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे की बात करते हैं देन इनके बिटवीन हम सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल की बात करते हैं जिसे हम टॉरेट भी कहते हैं देन उसके बाद इक्वेटर की बात करते हैं आप सभी को मालूम है कि इक्वेटर पर क्या होता है कि साल भर या मैं कहूं लगातार जो है सीधी जो धूप की आ, मैं कहूँ सन की जो रेडिएशन है डायरेक्ट इसमें पड़ती है देन डायरेक्ट रेडिएशन पड़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है बहुत ज्यादा आपका वाटर क्या कहते हैं वेपोराइज होता है, है ना ए होता है ए होने के कारण यहाँ पे क्लाउड का भी फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है और यहाँ पे जंगल भी काफी ज्यादा घना होता है जस्ट फॉर ह्यूमिडिटी कंडीशन होने के कारण यहाँ पे जंगल आपका बहुत घना होता है तो यहाँ पे इतनी चीजों को आपने समझ लिया है तो देन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वेरिज टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में ठीक है तो यहाँ पे कॉर्नी कॉनी जो आपका फॉरेस्ट है आपका बेसिकली कौन से रीजन में होता है तो कोल्ड रीजन में हो गया है ना विथ हाई रेनफॉल ठीक है वैसा एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चले जाए तो वैसा एरिया होगा यहाँ पे जहाँ पे कोल्ड रीजन भी होगा और आपका हाई रेनफॉल होगा स्ट्रांगली सीजनल क्लाइमेट है ना और लॉन्ग विंटर जो सर्दियां होंगी वो कैसे होंगी लंबी होगी है ना और आपका गर्मी जो होगा बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होगा

जितने भी पेड़ हैं ये अलग अलग समय पर पत्तियाँ गिराते हैं जिस कारण क्या होता है कि ये हमेशा क्या होते हैं सदाबहार बन वन के बारे में आपने सुना है ना तो जस्ट ये सदाबहार रहते हैं इनमें पत्तियाँ ऑलवेज इनके आ, क्या होती हैं टहनियों पे लगी होती हैं है ना जैसे कि हम बात करें इसमें से स्पीसीज़ की कुछ आ, जो आपके हैं जैसे कि स्प्रूस uh, है है ना जैसे कि स्प्रूस स्प्रूस की बात की गई है जिसको हम क्या कहते हैं पेकिया ग्लोसिया कहते हैं फिफर हो गया जिसको हम एबिज बेल सेम्या सेमिया कहते हैं एंड उसके बाद पाइन ट्रीज तो आपने काफ़ी सुना है पाइनस रॉक्सी है ना पाइनस स्ट्रॉप्स हो गया है ना और जो कुछ एनिमल होते हैं जैसे कि आपका लाइनक्स हो गया फॉर्क्स हो गया सॉरी वॉल्फ हो गया बियर हो गया रेड फॉक्स हो गया पॉर्कि हो गया कटीले वाले इस तरीके से होता है ना कांटे लगे होते हैं उसके जस्ट डोरसल साइड पे ठीक है तो यहाँ पे देखिए स्क्वायरल हो गया एम्फेबियन हो गया है ना जैसे कि फ्रॉग व्रॉक हो गया पॉन्न फ्रॉग हो गया ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे ठीक है वहाँ पे जो लिटर होता है लिटर यानी जो कचड़ा होता है ना तो वो जस्ट कैसा होता है रिजल्टेंट फ्रॉम द कॉनीफरस नीडल इज ब्रोकन डाउन एंड स्लोली एंड नॉट पर्टिकुलरली रिच इन न्यूट्रेंट ठीक है तो ये आपका क्या है कॉनीफर निडल मतलब वहाँ पर जो पत्तियाँ होती थोड़ी सी क्या होती कटीली टाइप होती है ना uh, Uh, कभी कभी झड़ जाती है तो यहाँ पे लिखा है ब्रोकन डाउन एवरी वेरी स्लोली जो कि आपकी क्या है बहुत ही धीरे धीरे वो क्या होती गिरती है है ना नॉट पर्टिकुलर रिच इन न्यूट्रेंट और वो क्या होता है रिच भी नहीं होती न्यूट्रेंट्स में देन यहाँ पे सॉइल जो है आपका कैसा होता है एसिडिक होता है और मिनरल्स जो होते हैं वो डेफिशियट होता है यानी मिनरल्स काफी कम ही होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि पत्तियाँ उसमें वहाँ उस जंगलों में काफी कम रेट से गिरता है ना धीरे धीरे गिरता है तो देन वहाँ पे जो न्यूट्रेंट्स क्या का, काफ़ी कम होता है डेफिशियट होता है देन बात कर प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी की स्टेबिलिटी की तो बॉरल फॉरेस्ट जो है आपका लोअर होता है किसी अदर

ठीक है तो यहां पे टॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर वाला जो रीजन है ये वाला जो आपका होगा टेम्परेट एडेसिडोस फॉरेस्ट कहलाएगा ठीक है इसमें आपके इंडिया के भी इंडिया के भी कुछ फॉरेस्ट आ जाएंगे तो यहां पे देखिए यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट है उनको कैरेक्टराइज किया जाता है मॉडरेट क्लाइमेट को लेके है ना उसके जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों में वो कैसे होते हैं ब्रोड लिफ्ड होते हैं बड़े बड़े पत्तियों वाले पेड़ होते हैं डेसीडोस ट्रीज़ कहते हैं ठीक है ब्रोड लिफ्ड डेसीडोस ट्रीज़ कहते हैं उसके जो सेड होता है है ना उसके लीव से जो बना इन विंटर के समय में वो कैसा होता है ग्रो होता है एंड न्यू होता है फॉलेज क्या होता है स्प्रिंग में ठीक है जो नई पत्तियाँ होती है स्प्रिंग में होती है और वो झड़ कब जाता है उसका पत्ता तो जस्ट आपका शेड होता है विंटर में ठीक है शेड का मतलब झड़ना होता है ठीक है पत्ता गिर जाना देन उसके बाद ये जो फॉरेस्ट है ये कैरेक्टराइज किया जाता है कहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है ये कहाँ मिलेगा आपको आ, जस्ट आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा यूरोप में मिलेगा आ, ईस्ट ईस्टर्न एशिया में मिलेगा इंक्लूडिंग चाइना एंड जापान ठीक है चिले हो गया चिले के भी कुछ पार्ट में ऑस्ट्रेलिया हो गया जस्ट नीचे वाला ये नीचे वाले रीजन में आपका क्या है जस्ट यहाँ पे आ, ये वाला जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आएगा है है? तो साउथ अमेरिका जस्ट आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में आता है अजन एंड देन बात करें चाइना की तो चाइना जस्ट ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है जापान आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका भी ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर के ऊपर आता है ना यूरोप भी पूरा आपका पूरा, पूरा आपका क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है ना तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो आपका क्या है ये जहाँ पे ये क्या होता है प्रेसिपिटेशन कैसा होता है तो मे बी फेयरली यूनिफॉर्म होता है साल भर जैसे कि मतलब एक समान होता है ऐसा नहीं है कि कभी ज़्यादा या कभी कम देखने को मिलता है किसी स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा हो सकता है बट आपका जो क्या होता है प्रेसिपिटेशन फेयरली कैसा होता है यूनिफॉर्म होता है ज़्यादा uh, साल भर बारिश होती है और यूनिफॉर्म होती है देन यहाँ पे रेनफॉल का वो भी लिखा है रेट लिखा है पिछहत्तर से डेढ़ सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल होता है ठीक है यहाँ पे जो आपका ट्री है यहाँ पे यहाँ पे क्या होते है काफी लंबे मतलब क्वाइट टॉल होते हैं ज्यादा भी लंबे नहीं होते मतलब लंबे होते हैं यहाँ पे बात करें साइज की तो 40 टू तो 50 मीटर क्या होती है हाइट होती है और उसकी लीव्स कैसी होती है थिन होती है और ब्रोड होती है ना जैसे कि प्री डोमिनेट जनरा की बात करें इसमें मैपल दे रखा है जिसको एसर भी कहते हैं बीच हो गया फैगस ओक के बारे में तो काफी बच्चों ने सुना होगा है ना क्वेरकस हो गया या फिर हिकोरी कैरिया है ना बैसवुट या या फिर फिर है है ना जिसको हम कहते है, या फिर cottonwood, है ना जिसको जिसको हम हम कहते कहते हैं 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 ये जो, ये मतलब ये ये सारे सारे जो मतलब पौधे क्या पे dominant, पाए जाते एंड बात हिमालय वाले रीजन में तो पे टेम्परेट वेजिटेशन जैसे कि आपका पाइन हो गया सेडार हो गया फर हो गया जोनिपर हो गया ट्रीज है ना या फिर रोडन क्या है रोहडो या फिर विलो हो गया विलो की तो भाई बैट बनती है सेलिक्स तो ये जो आपका है बेसिकली आपको ये हिमालयन रीजन में इस टाइप के पेड़ आपको आसानी से मिल जाएंगे देन कुछ कॉमन एनिमल्स की बात करें तो आपका डियर बियर स्क्वेरल ग्रे फॉक्स बॉब कैट्स टर्की है ना टर्की एक पक्षी होती है एंड उसके बाद वुड पैकर हो गया जो कि पेड़ को खोदता रहता है ना तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कॉमन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो अर्थवा इन वर्टिब्रेड्स की सॉरी तो जो आपका क्या हो गया अर्थवा हो गया स्नेल हो गया मैली हो गया है ना सेलोपेट्रा हो गया ऑर्थरोपेट्रा हो गया तो कुछ आपके और ऑर्थरोपोडो वहाँ पे होते दे हैं देन वर्टिब्रेट्स की बात करें जैसे कि आपका एम है यानी टोड हो गया सेलेमेंडर हो गया क्रिकेट हो गया है ना टिड्डा एंड फ्रॉग रेप्टाइल्स हो गया टर्टल हो गया लिजार्ड हो गया स्नेक हो गया मेमल हो गया और रकून जस्ट वो बंदर की तरह तो नहीं होते बस थोड़े बंदर थोड़े लोमड़ी टाइप लगते हैं देन उसके बाद ओपो ओपोसम हो गया पिग हो गया माउंटेन लाइन हो गया बर्ड लाइक हॉर्न आउल हो गया ठीक है सिंग टाइप होते हैं उनकी जस्ट इस तरीके से सिंग होती है ना तो जस्ट सिंग नहीं होती वो मतलब उसको बोला जाता है एंड हॉक्स भी हो गए ठीक है थीके? तो ये सारे आपके स्पीसीज फ्लोरास पाए जाते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे फ्लोरा के बारे में लिखा है तो फ्लोरा क्या होता है आपका आपका जो फ्लोरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वो हाईली डाइवर्सड होता है ये आपका कितने कंट मतलब एरिया में आपको मिल जाएगा मतलब आपका एक स्क्वायर किलोमीटर में आपका क्या है 300 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज मिल जाएगा डाइवर्सिटी ऑफ इको इकोसिस्टम मिल जाएगा है ना तो यहाँ पे क्या है एक्सट्रीमली आपको क्या है यहाँ पे डेंस वेजिटेशन मिल जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है ना बहुत ही सीधे सीधे पेड़ होंगे वाइन्स हो गए क्रिपर हो गए तो काफ़ी सारे इसमें uh, नाम दे रखे हैं ठीक है यहाँ पे आपके कुछ क्या है वाइन्स क्रिपर एंड ऑर्चिड्स हो गया यहाँ पे कुछ क्या है अ uh, पच्चीस से तीस मीटर जो लॉन्ग आपके पेड़ होते हैं वो हो गए देन उसके बाद यहाँ पे क्या है अंडर स्टोरी ऑफ ट्रीज जैसे कि आपका आ, क्या होता है बड़ी बड़ी डालियों के नीचे होने वाले पौधे जो हो गए सब सब्स फंस हो गए है ना पाम्स हो गए ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा देन उसके बाद हम एक तरीके से हमें एक तरीके से रियलाइज हो गया हमें मालूम चल गया कि टेम्परेट डेसीडोवर्स फॉरेस्ट कहाँ होता है कैसे होता है रीजन भी मालूम चल गया उसमें पाए जाने वाले स्पीसीज के बारे में वर्टिब्रेड इनवर्टीब्रेड के बारे में पता चल गया देन हम आ जाते हैं टेम्परेट ग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन यानी हमेशा सदाबहार है ना तो ये टेम्परेट रीजन में ग्रो होते हैं टेम्परेट कहिए आप टॉयरिड कहिए नहीं टॉयरेड नहीं कहिए ही कहीं है तो ये जो टेम्परेट वाला जो रीजन है वहाँ पे जो आपके एवरग्रीन ये डेसीडोवस है जो कि पत्ते क्या कर लेता है साल में एक बार झाड़ता है एंड देन हम बात करें एवरग्रीन की तो एवरग्रीन आपका हमेशा सदा बाहर रहता है ठीक है हमेशा हरा रहता है है ना याद रखिएगा ये मेन डिफरेंस इसका है ना बहुत से बच्चों को इनके क्या है फॉरेस्ट के बीच में बिटवीन क्या है डिफरेंस ही मालूम नहीं चलता ठीक है तो मैं आपको बताता चलूँगा आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज तो जस्ट ये टेम्परेट जोन में आता है ये जो है बहुत सारे पार्ट वर्ल्ड के दुनिया में आपको कई सारे पार्ट में मिल जाएगा जैसे कि मेडिटेरियन टाइप की बात करें आपको मालूम होगा कि मेडिटेरियन सी की बात करें जैसे कि आपको आपको मैं मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे जस्ट ये क्या है इसको मैं जूम करूँ और जूम करूँ तो यहाँ पर आपका यूरोप के पास ये आ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेडिटेरियन सी होता है जस्ट आपका टर्की के ऊपर क्या है जस्ट अगर मैं बात करूँ टर्की के ऊपर तो आपका क्या होता है मेडिटेरियन सी पाया जाता है तो जस्ट आपका वो वाला रीज़न हो गया जहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है ठीक है तो ये वाला रीज़न आपका मेडिटेरियन हो गया है ना ब्लैक सी हो गया इन सब रीज़न में आपका क्या है इस वाले रीजन में आपका टेम्परेट जोन में आता है तो यहाँ पे आपको कई सारे सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे तो देन यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर क्या है आ, जो कि आपका कैसा होता है वार्म भी होता है ड्राई होता है समर के समय है ना और ठंडा भी होता है मॉइस्ट विंटर के समय में है ना तो ये सारी चीज़ें आपको खूबियाँ वहाँ पे मिल जाएगी कॉमनली आपके क्या हैं इनहेबिटेड बाय द आपको कैसे मिलेंगे लो एवरग्रीन ट्रीज मिलेंगे यानी ज़्यादा बड़े नहीं लो एवरग्रीन मिलेंगे जिसमें आपके निडिल लाइक आपके ज़्यादा ब्रोड वाले होंगे उसमें पौधे मतलब पेड़ जो पाए जाएंगे और ये इंक्लूड करता है जैसे कि हेमलॉक हो गया येप हो गया मैपल हो गया इसमें ज़्यादातर यही ट्रीज़ आपको मिल जाएंगे सर्ब्स की बात करें तो तीन से चार मीटर हाइट होती है उनकी देन करेक्टरिस्टिक की बात करें एनिमल्स की है ना जो कि आपके टेम्परेट एवरग्रीन वुड लैंड या फिर आ, मतलब एवरग्रीन में पाए जाते हैं जैसे कि आपका वुड लैंड चैप्रल हो गया है ना म्यूल हो गया ये म्यूल मतलब गधा गधा होता है एक तरीके से गधा नहीं गए खच्चड़ कहेंगे है ना डियर हो गया ब्रश हैबिट हो गया रैबिट हो गया सॉरी एंड वुड रैट हो गया और ये क्या है चिपमंगों के लिए जाड हो गया तो कुछ ये एनिमल्स हैं जो आपको क्या है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिल जाएंगे देन उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट क्या है आपका वैसा एरिया जहां पे सिर्फ आपकी बारिश होती हो है ना यहाँ पे रेंज भी जस्ट लिखा होगा कि आपका आ, क्या कहते हैं रेन फॉरेस्ट इसे क्यों कहा गया है ना तो यहाँ पे देखिए क्या है जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है ये आपका क्या होता है ठंडा होता है है ना किसी अदर क्या कहते हैं रेन फॉरेस्ट में है ना क्योंकि ये क्या है टेम्परेट रीजन में पाया जाता है जहां पे आपका सनलाइट का मैं कहूँ रेडिएशन जो है सन का प्रॉपर नहीं आता है ठीक है मतलब प्रॉपर तो आता है लेकिन वो क्या होता है दिन के कम समय आता है है ना बात करें हम इक्वेटर की तो इक्वेटर में आपका क्या होता है दिन के ज्यादा समय आपका क्या है आपका सनलाइट आता है जैसे कि यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें इक्वेटर में डायरेक्ट सनलाइट आता है तो यहाँ पे 12 घंटे धूप आती है यहाँ पे आपका टेम्परेट रीजन है तो यहाँ पे 12 घंटे से कम आएगी और ऊपर से यहाँ पे बारिश हो रहा है तो मौसम कैसा होगा आपका जस्ट ठंडा होगा ना तो यही कारण है आपका जो टेम्परेट एवर ग्रीन सॉरी रेन फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं किसी भी दूसरे फॉरेस्ट से क्या होते हैं ठंडे होते हैं अदर रेन फॉरेस्ट से ठीक है थीके? जो आपका रेन फॉरेस्ट तो कई जगह पाया जाता है आपका ट्रॉपिकल रीजन में भी पाया जाता है आपका इक्वेटर रीजन में भी पा, पाया जाता है ठीक है तो यहाँ पे देखें यहाँ पे जो आपका सीजनली uh, टी uh, की बात करें तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर और रेनफॉल कैसा होता है आपका ठंडा टाइप होता है देन uh, जो रेनफॉल होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है फॉग भी आपका काफ़ी देखने को मिलेगा है ना वेरी uh, हैवी है ना बहुत ही ज़्यादा हैवी देखने को मिलेगा एंड उसके बाद ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है क्या चीज़ को मोर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर ठीक है देन रेनफॉल इट ठीक है तो देन इसमें क्या है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट और एनिमल जो है काफी आपको क्या है लो मिलेगा एज कम्पेयर देन वार्मर काउंटर पार्ट जहाँ पे आपके गर्म एरिया है गर्म इलाके हैं हमें बोलूँ गर्म एरिया में आपके जो वार्मर एरियाज में जो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ से आपको अगर हम कंपेरिजन करें तो प्लांट और एनिमल्स की संख्या क्या होगी कम होगी ठीक है वेरिएशन uh, या वैराइटीज़ कम मिलेगी देन उसके बाद हम बात कर ले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा रीजन हो गया तो जस्ट ये वाला जो टॉरिड रीजन कहे या ट्रॉपिकल रीजन कहे ये सब ट्रॉपिकल हो गया जस्ट कैंसर से नीचे आते हैं बट अगर हम बीचों बीच बात करें तो ये आपका ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है ठीक है इसको हम टॉरिड भी कहते हैं क्या कहते हैं गाइस टॉरिड भी कहते हैं तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो पाए जाने वाला जस्ट अगर हम बात करें भारत के नक्शे के जस्ट नीचे है ना जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे जो आपका टॉरिड जोन है कुछ इस तरीके का आपका जस्ट यहाँ पे आएगा इन ये आपका इक्वेटर जा रहा है तो जस्ट आपका यहाँ पे यहाँ पे जस्ट ये अफ्रीका से होता हुआ यहाँ पे कई अंडमान निकोबर आइलैंड्स हो गया नहीं उससे भी नीचे यहाँ फिलिपइंस वगैरह इन सब एरिया में आपका क्या लाएगा ठीक है या मैं बोलूँ भारत के साउथ में आपके क्या है आ, काफी सारे वेस्ट टाइप के रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे है ना कौन सा तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बात करें जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये अकोर का होता है नियर द इक्वेटर मैंने बताया जैसा कि इक्वेटर के पास ये होते हैं और इसमें आपको क्या है मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटीज मिल जाएंगे अर्थ पे है ना ये बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आपका क्या है यहाँ पे हाई रहता है टेम्परेचर भी हाई रहता है और टेम्परेचर हाई है तो समझ लिए अमाउंट ऑफ वाटर वहां पे ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी भी आपकी हाई ही होगी है ना और यहाँ पे क्या होगा मोर और लेस यूनिफॉर्म यानी यहाँ पे क्या है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी हर साल मतलब साल भर में कई बार इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा एनुअल रेनफॉल की बात करें तो इसमें क्या है टू हंड्रेड सेंटीमीटर आपका एक्सीड मतलब इतना आपका क्या है बारिश हो जाता है जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द थ्रू आउट द ईयर और अलग अलग एरिया में आपका क्या है साल भर में ये बारिश आपको देखने को मिलता है कॉमन वर्टी ब्रेड्स की बात करें यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले तो एरबोरल यहाँ पे एरबोरल एम्फेबियंस है जैसे कि आपका रैक ऑफ फॉरस्ट मेला बैरिकस हो गया एक्वेटिक रेप्टाइल्स हो गए है ना एंड कैमलिन हो गया एंड uh, उसके बाद एगेमेट्स हो गया गैकोज हो गया कुछ बहुत सारे स्पीसीज हो गया स्नेक्स के बर्ड्स के है ना मैमल हो गया सच एज लेपर्ड हो गया जंगल कैट हो गया एंट ईटर हो गया जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल हो गया मंकी हो गया स्लोथ हो गया ये जस्ट आपकी मैं बात करूँ अफ्रीकन रीजन की तो जस्ट ये अफ्रीकन रीजन में आपका काफ़ी ज़्यादा जस्ट यहाँ पे देखिए जो इक्वेटर के करीब जो पाए जाते हैं यहाँ पे जो एरिया होगा यहाँ पे काफ़ी सारे आपको जंगल मिलेंगे जाएंगे यहाँ ब्राज़ील का भी आपका एक जंगल है जिसको हम क्या कहते हैं इक्वेटर के क्लोज इक्वेटर के ये वाला नीचे वाला एरिया एंड इक्वेटर के ऊपर वाला एरिया ये दोनों ही रीज़न में आपके क्या है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को फॉरेस्ट uh, देखने को मिलेगा ठीक है आप अमेजोन के जंगल के बारे में तो जानते ही होंगे है ना अमेजोन के जंगल के बारे में आप जानते ही होंगे तो जस्ट आपका अमेजोन का जंगल भी आपको यहाँ मिलेगा यहाँ पे आपको अफ्रीकन कई सारे जंगल मिलेंगे है ना आपको ये फिलिपइंस हो गया ये इंडोनेशिया वाले एरिया में काफ़ी सारे घने जंगल आपको मिलते हैं ठीक है तो इतना आप समझ गए देन उसके बाद हम बात करेंगे सीजनल फॉरेस्ट के आपके कुछ ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट होते हैं जैसे कि बात करूं फॉरेस्ट वैसे कैसे होते हैं किस रीजन में होते हैं जहाँ पे जो टोटल एनुअल रेनफॉल होता है वो कैसा होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है बट सेग्रीगेटेड इंटू प्रोनाउंस वेट एंड ड्राई पीरियड ठीक है और एक तरीके से वहाँ पे वेट और ड्राई पीरियड भी होता है देन उसके बाद यहाँ पे क्या है वेट ट्रॉपिकल सीजन सीजनल फॉरेस्ट भी उसको हम एक तरीके से कहते हैं है ना जैसे कि आपका मॉनसून फॉरेस्ट हो गया यानी मॉनसून की बारिश से बना वो जो जंगल है आपका वो जस्ट आपका उस टाइप का है ना तो मतलब एक ही बार में आपका क्या होता है ड्राई पीरियड होता है काफी समय तक और बहुत ज्यादा जब बारिश आती है तो काफी ज्यादा वहां पे रेनफॉल देखने को मिलता है तो वैसे फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं सीजनल यानी सीजन में एक बार वहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा एनुअली यहाँ पे लिखा है कि एनुअली रेनफॉल क्या होता है हाई होता है है ना लेकिन सेग्रीगेटेड इंटू प्रोनाउंस इसको हम वेट या फिर ड्राई पीरियड भी कहते हैं है ना जब क्या होता है जिस समय बारिश नहीं हो रही होती है तो एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें यहाँ पे सेवरल टाइम क्या होगा आ, क्या होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाएगा है ना एंड देन टीक इज द ऑफ एन मेजर लास्ट ट्री यहाँ पे टीक जो होता है टीक वुड के बारे में सुने ही होंगे आप बेड वगैरह बनता है इसका तो ये आपका क्या है मेजर लास्ट ट्री के आ, क्या है पाया जाता है के रूप में पाया जाता है देन इसमें बेस्ट आपका क्या है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट जो है इंडिया का जो कि आपके सेंट्रल इंडिया है साउथ ईस्ट एशिया है जो कि यहाँ पे आपका बैम्बो हो गया है ना जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्लाइमेट सर्व्स इन दी दीज एरियाज है यहाँ पे बैम्बोज वगैरह काफी ज्यादा ग्रो किए जाते हैं साउथ ईस्ट हो गया नीचे वाला रीजन हो गया इंडिया का एंड सेंट्रल इंडिया हो गया जस्ट मध्य प्रदेश वगैरह इस टाइप का एरिया हो गया तो यहाँ पे आपको क्या है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं देन उसके बाद हम सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो सब ट्रॉपिकल कौन से रीजन होते हैं तो सब ट्रॉपिकल आपके ये वाले रीजन होते हैं जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे होते हैं लेकिन क्लोजर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हैं समझ रहे हो इस रीजन के नीचे होते हैं और इसके क्लोजर होते हैं तो ये वाला रीजन आपका क्या है सब ट्रॉपिकल कहलाता है यहाँ पे बना दू मैं ये वाला सब ट्रॉपिकल और इक्वेटर के जस्ट क्लोजर आपका ट्रॉपिकल होता है ना तो ये जो है आपका ये वाला जो रीजन है इस वाले रीजन में आपका किस टाइप का यहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है तो इसको हम कहेंगे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहेंगे ठीक है ये जो रीजन है आपका फेयरली हाई रेनफॉल होता है पर और कैसा होता है टेम्परेचर तो लेस टेम्परेचर होता है डिफरेंस बिटवीन विंटर एंड समर ठीक है आपको विंटर और समर के बिटवीन आपका क्या है काफ़ी कम डिफरेंस देखने को मिलेगा सॉरी कम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ठीक है एंड जो पत्तियाँ कैसी होती हैं ब्रोड होती हैं और एवरग्रीन होती है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में है ना जो पाई जाती हैं अब वेजिटेशन आपके इंक्लूड करे जाए करा जाए तो मोहोगनी हो गया पाम हो गया ओक हो गया मैगनोलाज हो गया टैम हो गए जितने फ्स हो गया वाइन्स हो गया है ना स्टैंगलर हो गया फाइकस हो गया है ना फाइकस एरोस है ना फिर उसके बाद एनिमल लाइफ जो है सब ट्रॉपिकल में वो काफी ज्यादा सिमिलर होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स के है ना ट्रॉपिकल तो ये कुछ आपके क्या है और ये मोगनी हो गया पाम हो गया ये सारे इकोनॉमिकली पर्स्पेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है इनका कोस्टलियर होते हैं ये ठीक है तो ये सारी चीज़ें हो गई देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हम जानेंगे तो आपने सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में समझ लिया तो देन हम इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में समझ लें है ना बहुत ज़रूरी है ये कि भाई जंगल ज़रूरी क्यों है ताकि आप कभी डिफाइन कर पाओ है ना कि जो जिन्हें पर्यावरण से प्यार नहीं है है ना तो उनको आप बताओ कि जंगल के बारे में कि भाई क्या क्या चीज़ जरूरी है तो देखिए क्या है जो ह्यूमन है आपका और जो फॉरेस्ट है वो एक तरीके से सोर्स ऑफ क्या है मल्टीपल प्रोडक्ट है ना है ह्यूमन के लिए मतलब ह्यूमन जो है उसके लिए फॉरेस्ट जो है वो एक तरीके से सोर्स है मल्टीपल प्रोडक्ट का सरफेस का एंड रिक्रिएशन है ना जो भी आपके बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन जो भी आपका कल्चर है या सिविलाइजेशन है जस्ट आपका क्या है फॉरेस्ट से ही डेवलप हुआ है फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं से हम अपने आप को क्या है हम सिविलाइज कर पाए है ना अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ फ्यूल ठीक है फूल फ्यूल के जगह जैसे कि हमने पहले जब हमने फ्यूल के सोर्सेज हमारे पास ज़्यादा नहीं थे एल नहीं था तो देन हम क्या है फ्यूल में हम क्या वुड का यूज़ करते थे एंड एक तरीके से रॉ मेटेर प्रोवाइड किया जाता है वेरियस वुड इंडस्ट्रीज़ को जैसे कि अगर हम बात करें पेपर इंडस्ट्री हो गया है ना कंपोजिट वुड हो गया रेन हो गया ये सारे मैनमेड फाइबर हो गया ये सारे क्या है ये जस्ट आपके वुड के पल्प से ही तो बनाए जाते हैं ना देन उसके बाद मैचेस हो गया फर्नीचर हो गया सेटल्स हो गया स्पोर्ट गुड्स हो गया है ना जो खेल के लिए आपके क्या कहते हैं बैट बल्ला हॉकी वॉकी जो बनाया जाता है सब आपके जंगल से आते हैं एंड इंडियन फॉरेस्ट की बात करें इसमें आपका क्या है बहुत सारे माइनर प्रोडक्ट हैं एसेंशियल ऑयल्स हो गए मेडिसिनल प्लांट्स हो गए रेजिनस हो गए जो कि आपके क्या होते हैं गोंद होते हैं ना जो प्लांट के क्या होते हैं छाल से निकाला जाता है ना तो वो आपके हो गए रेजिनस हो गए एंड टर्प क्या है टर्पन हो गए एंड लैक हो गया लैक से जस्ट हम चूड़िया उड़िया बनाते हैं सेलैक हो गया एंड कत्था हो गया जस्ट आपका पान वान वगैरह में डालते हैं कैटैचू हो गया एंड उसके बाद बीड़ी व्रैपर बीड़ी क्या क्या चीज लिख देते हैं बीड़ी के लिए जो व्रैपर होते हैं जो यानी लिप्स से जो बनाते हैं वो आपको मिल जाता है तस्सर सिल्क मिलता है है ना तो ये आपका ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के साथ आपको एक तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें प्रोडक्ट को हमें प्रोवाइड कराता है जंगल रिजर्वायर ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी एक तरीके से एक तरीके से रिजर्व है जिसमें आपको कई सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको मिलेगी है ना और प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल जिसको मतलब एक तरीके से अर्थ को जैसे रेगुलेट करना हो तो इन सब स्पीसीज द्वारा अर्थ को रेगुलेट किया जाता है फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है एक तरीके से हैबिटेट फूड प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्शन है ना एंड देन फॉरेस्ट जो है वो एनहेंस होता है किसके द्वारा ये इन्हेंस लोकल प्रेसिपिटेशन है ना लोकल local में लोकली अगर हम बात करें अगर बारिश वारिश जो होता है या फिर जो भी आपका प्रेसिपिटेशन जो गिरता है ड्यू होता है है ना वो सभी आपका फॉरेस्ट के कारण ही हो पाता है अगर दिल्ली जैसे एरिया की बात करें तो काफ़ी आपको जंगल कम मिलता है या मैं बोलूँ वैसे रीज़न जैसे कि हम राजस्थान की बात करें राजस्थान में क्या है फॉरेस्ट कम है तो देन वहाँ पे आपको आ, क्या है तो क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं दिखता एंड देन वहाँ पे बारिश भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है तो जस्ट आपका फॉरेस्ट आपका एनहेंस करता है लोकल प्रेसिपिटेशन को समझ गए हो गया आप और इम्प्रूव करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल ठीक है काफ़ी सारे ऐसे मेटर है जो कि सॉयल के मिनरल्स के साथ मिक्स करता है ताकि उससे क्या होता है वाटर को होल्ड भी करके रख पाता है जो रूट्स होती है ना रूट्स के थ्रू वाटर क्या होता है हमारे अंडरग्राउंड में जाके फिट हो जाता है एक तरीके से मैं कहूँ रिचार्ज करता रहता है ठीक है है ना इसमें सॉयल थ्रू लिटर बहुत जो कचड़े वचड़े होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं जस्ट प्लांट में मिल जाते हैं मतलब वो ऑर्गेनिक कचड़ा जो है है ना तो जस्ट वो क्या करता है एक तरीके से होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है सॉयल के सॉयल एरिजन को भी रोकने का काम करता है लैंडस्लाइड को भी रिड्यूस करता है फ्लड ड्रॉट को भी कम करने का काम करता है फॉरेस्ट जो है आपका एक तरीके से होम होता है किसके वाइल्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट एसेट है जैसे कि एस्थेटिक हो गया टूरिस्ट हो गया या फिर कल्चरल वैल्यू हो गए सोसाइटी के जस्ट हमारे लिए क्या है एक एसेट है इंपॉर्टेंट एसेट है देन बात करें हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन फॉरेस्ट को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं तो अर्बनाइजेशन की बात करें जैसे कि शहरीकरण हो रहा है एक्सपेंसन हो रहा है एग्रीकल्चर का एक्सट्रैक्शन का और क्या है टिम्बर टिम्बर यानी लकड़ियाँ जो होती हैं तो ये जो लकड़ियाँ हैं एक तरीके से एक तरह सीरियस थ्रेट बनता जा रहा है फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड के लिए भाई जंगल से लकड़ी कहाँ से लाओगे लकड़ी आप जंगल से ही लाओगे ना है बड़े बड़े पेड़ों को काटोगे एंड देन वहाँ के क्या है आप वाइल्ड लाइफ को नष्ट करोगे एक तरीके से उनके घर को छीन रहे हो तो हम क्या है सर्टेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट जो है आपको एक तरीके से पोजेस किए जाते हैं एम्प्लॉयड किए जाते हैं जो कि आप फॉरेस्ट को मेनटेन करने जैसे कि आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऑफिसर्स रखे जाते हैं जो जंगल के स्पीसीज को देखते हैं देखभाल करते हैं है ना बहुत सारे रिजर्व्स बनाए जाते हैं तो वैसे चीजों को हम इस तरीके से हम क्या है अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं ठीक है मैनेजमेंट एक प्रॉपर बना के देन उसके बाद एक तरीके से डिजायर करते हैं क्वालिटी ऑफ टिम्बर पलप एन पेपर इंडस्ट्री मोनोकल्चर फॉरेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग सच एज पॉपुलर्स एंड कॉर्नीफेरेस यूकेिप्टस हैव बिन कल्टिवेटेड बाय ह्यूमन ठीक है तो ये जो जितने भी यहाँ पे पेड़ हो गए और जो पेपर इंडस्ट्री हुआ फॉर मोनोकल्चर फॉरेस्ट हो गया इसके लिए हम क्या है हम और भी ज़्यादा हम इनको पेड़ों को लगा सकते हैं कॉर्नीफेरस या फिर यूके uh, लिप्टस टाइप जो पेड़ है इनको हम क्या है कल्टिवेट कर सकते हैं ह्यूमन तो जरूरी नहीं कि भाई जंगलों को ही काट के हम इन सभी से टिम्बर हम कलेक्ट करें ठीक है ये सारी चीज़ें हमारे हम क्या कहते हैं जस्ट हम जंगल से ये क्या कहते हैं कल्टिवेट भी कर सकते हैं देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे और क्या लिखा है एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट आर स्ट्रॉन्गली मेनुपुलेटेड टू ऑर्डर द इनक्रीज देर ईल्ड एंड डिजायर्ड बेनिफिट्स ठीक है और एक तरीके से हम क्या करते हैं फॉरेस्ट को हम स्ट्रॉन्गली क्या कर सकते हैं मैनुपुलेट कर सकते हैं उसमें जो इंक्रीज uh, करने के लिए है ना अपने बेनिफिट्स के लिए तो हमें क्या लिखा है इट इंक्लूड वीडिंग है ना द एलिमिनेशन ऑफ द माइट कंप्लीट सीडलिंग्स एंड द डिजायर्ड स्पीसीज है ना हम क्या कर सकते हैं उसके जो uh, क्या कहते हैं बहुत सारे डिजायर्ड प्लांट्स हैं उनको हम क्या कर सकते तो एक तरह से कलेक्ट भी कर सकते हैं देन उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे ब्राशिंग रिमूवल लाइफ आ, क्या लीफलेस फ्लावर लोअर ब्रांचेज स्पेशली इन कॉर्नी ठीक है फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट है वो इंक्लूड किया जाता है जैसे कि कंट्रोल करना फॉरेस्ट फायर को है ना कि भाई जंगलों में आग लगता है तो काफ़ी काफी बड़ा एरिया जो है आपका जल के खाक हो जाता है जैसे कि आपने देखा भी हो नॉर्दर्न अमेरिका की जंगल में काफ़ी ज़्यादा ऐसी घटनाएं होती रहती है है ना तो यहाँ पे क्या लिखा कल्चर है सिविकल्चर है सिविकल्चर ब्रांच होता है एक तरीके से फॉरेस्ट्री का है जो कि एक तरीके से कंसर्न रखता है अपने पास स्टेबलिसमेंट डेवलपमेंट केयर है ना रिप्रोडक्शन ऑफ मोनोकल्चर हो गया एंड टिम्बर ट्रीज हो गया जैसे कि टीक हो गया साल हो गया शीशम हो गया केल हो गया इनको क्या है वापस से उसी जंगल में लगातार ग्रो करते रहना। तो ये सारे मैनेजमेंट का काम होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम होता है देन हमें भी अपना केयर करना चाहिए कि इस तरीके से जो इलीगली हम क्या करते हैं का, काट के ले जाते हैं जंगलों में तो एक तरीके से एक थ्रेट पैदा कर सकते हैं हम जंगल में इन सभी पेड़ों के आ, होने का वजूद तक इनका नष्ट हो सकता है ठीक है तो देन उसके बाद यूनिट फाइव में हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे देन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक देख सकते हैं आप इसमें कह रहा है कि जो फॉरेस्ट बायोम है कंप्राइज अ कॉम्प्लेक्स असेंबलेज ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्या आएगा यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्या तो जस्ट यहाँ पे आप डालोगे बायोटिक कम्युनिटीज ठीक है यहाँ पे आपको कई सारे बायोटिक कम्युनिटीज आपको मिल जाएंगे ठीक है कम्युनिटीज़ देन उसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट लिखा है जो कि आपका एवरग्रीन होता है और आपका क्या होता है तो डेसीडोअस भी होता है आपका ठीक है या तो एवरग्रीन होता है या फिर डेसीडोअस होता है एवरग्रीन जो कि आपका सदाबहार होता है यानी इनकी जो पत्तियां होती है पेड़ों की वो साल में अलग अलग समय पे पत्तियां गिराते हैं लेकिन हम डेसीडोस की बात करें तो डेसीडोवस में जो पत्तियां होती हैं वो एक ही बार में गिरा देती हैं यानी अगर हम बात करें विंटर के सीजन से पहले पहले पत्तियाँ कहते हैं रिमूव कर देती है अपनी शेड कर देता है पूरा गिरा देता है ना तो जस्ट वैसे वाले जो आपके जंगल होते हैं वो डेसिडोअस होते हैं और जो वैसे होते हैं जो साल में अलग अलग समय पे गिराते पड़ते हैं वो एवर ग्रीन होते हैं देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें वो आपका नियर कहाँ पे होता है तो जस्ट आपका इक्वेटर के क्लोजर होता है, है ना ये चीज़ मैंने बताया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के होता है आ, देन यहाँ पर मैं लिख दूँ इक्वेटर और टेम्परेट वाला आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना इक्वेटर देन उसके बाद लिखा है वाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट अस तो आप सभी को ये चीज मालूम होना चाहिए कि भाई किस तरीके से डायरेक्ट direct इनडायरेक्टली हमें किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट अभी अभी हमने बात करी थी कि बहुत सारे हमारे लकड़ी हो गई है ना जैसे कि हम अपने पेपर इंडस्ट्री हो गया प्लांट इंडस्ट्री हो गया इन सब के लिए हम क्या है पेपर्स के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया है और बहुत सारी मेडिसिन हो गई बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ऑयल्स हो गए हर्ब्स हो गया, गया सर्ब्स हो गया जिनका हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हैं स्पोर्ट्स वाला भी हो गया ना स्पोर्ट्स में भी हम क्या बल्ला बल्ला हॉकी हॉकी बनाने के लिए भी हम एक तरीके से तो ये सारी चीज़ें सर्विस वगैरह हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक सोर्सेज का एक तरीके से हब है फॉरेस्ट देन उसके बाद क्या है राइट द मेजर डिफरेंस बिटवीन टेम्परेट डेसीडुअर्स फॉरेस्ट और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बिटवीन क्या है आपका इनमें डिफरेंस आपको बताना है ठीक है तो टेम्परेट डेसीडुअर्स फॉरेस्ट कैसा होता है और टेम्परेट एवरग्रीन कैसा होता है तो जस्ट आपका टेम्परेट एवरग्रीन वैसा एरिया होता है जहाँ पे आपका क्या होता है मैंने अभी अभी जस्ट बताया था वहां पे आपका क्या है कि फॉरेस्ट जो है हमेशा ग्रीन रहता है एनुअली वहां पे रेनफॉल जो है आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर दिन डेसीडुअर्स फॉरेस्ट ठीक है यहाँ पे अभी आप देखोगे ऊपर में तो आपको मिल जाएगा इसका आंकड़ा है ना यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है इसलिए एवरग्रीन होता है इसमें रेनफॉल कम होता है इसलिए ये डेसिडोस होता है ये ह्यूमिडिटी भी ज्यादा कैरी करता है ये ह्यूमिडिटी कम कैरी करता है तो काफी सारी इसमें मेजर डिफरेंसेज हैं इनके बारे में आप चाहो तो लिख सकते हो आपको करना है तो कर लो बाकी आपको इतना जरूरी नहीं है ये सारी चीजें करना आप बस इस जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूं आपको ध्यान से सभी चीजों को सुनना है देन उसके बाद हम ग्रास लैंड इको की बात करें तो ग्रास लैंड इको जो है आपका कहाँ पाया जाता है तो वैसा रीजन जहां पर आपका पच्चीस से पिछहत्तर आपका रेनफॉल होता है यानी वहां पर एक तरीके से हम बात करें इनफ सपोर्ट नहीं है कि वहां पर फॉरेस्ट वगैरह हो जाए लॉन्ग लॉन्ग आपके ट्रीज ग्रो हो जाए है ना लेकिन वैसा भी नहीं है कि जो एकदम ट्रू डेजर्ट ही बन जाए जैसा कि आपका रेगिस्तान सहारा या फिर आपका थार रेगिस्तान जैसा हो जाए सीन ऐसा भी नहीं है ना यानी यहाँ पे टिपिकल ग्रासलैंड कहते हैं

पाँच सौ एम पर ईयर होता है ठीक है सेंटीमीटर नहीं एम mm की बात की जा रही है है ना पाँच सौ पर ईयर होता है यानी लगभग पचास सेंटीमीटर के आसपास है ना एक सेंटीमीटर दस मिलीमीटर होता है, है ना तो इसमें हम डिवाइड करें दस से तो पचास सेंटीमीटर हो गया तो यहां पे क्या है आपका ये वैसा होता है जहाँ पे ड्राई सीजन में आपका क्या होता है सिक्स एट मंथ आपका क्या होता है ड्राई सीजन होता है और ड्राई सवाना ग्रेजिंग इकोसिस्टम जो हो गया आपका डेवलप हो जाता है एक तरीके से ठीक है जहाँ पे क्या है ग्रेजिंग करने के लिए पशु चराने के लिए बहुत सारे भेड़ वगैरह चराने के लिए वहाँ पे लाते हैं है ना तो यहाँ पे जो लाइट दो एक तरीके से शेड करता है किस तरीके से कास्ट करता है स्पार्स पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज लाइक जैसे कि हो गया प्रॉप्सिस हो गया किनेरिया हो गया है ना क्या है ये किने, तो ये जो आपके हैं ग्रास है एक तरीके से फेवरेबल कंडीशन होता है उनके लिए है ना बेस्ट एरियाज आपका कौन सा रीजन होगा जहां पे आपका एक सौ से एक सौ बीस सेंटीमीटर आपका रेनफॉल हो रहा हो है ना हाइट हो मतलब सॉरी तो ये देन ये आपके कुछ मैंने राजस्थान की बताई बात देन उसके बाद हम मेजर डिफरेंसेस की बात करें स्टेपेज और सवानाज में स्टेपेज आपका वो मैदान हो गया सवाना भी आपका मैदान मतलब घास का मैदान तो ये क्या है जस्ट डिफरेंस बात करें इनमें इनके जो ऑल द फॉरेस्ट की बात करें तो स्टेपे जो है प्रोवाइड करता है ओनली ड्यूरिंग द ब्रीफ वेट सीजन ठीक है एक तरीके से स्टेपे वैसा मैदान होता है जहाँ पे आपको क्या है वेट सीजन में यानी जब बारिश होता है तभी आपको वो हरा भरा दिखेगा है ना लेकिन सवाना फॉरेस्ट की बात करें सवाना मैदान है। यहाँ पर इंडिया में मे भी शायद नहीं है तो देखिए क्या है लार्जली ये क्या होंगे यहाँ पे ग्रासेस जो होंगे लार्जली Uh, मतलब इस, इस सवाना जो फॉरेज है वो आपका काफ़ी बड़ा है और ये आप यहाँ पे जो फ्रॉम नेट नॉट ओनली ग्रो ड्यूरिंग द वेट सीजन बट ऑल्सो हैव ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ री ग्रोथ ऑफ द ड्राई सीजन ठीक है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ वेट सीजन में ही ग्रो करेंगे सवाना इसके ये आपके ड्राई सीजन में भी थोड़े बहुत ये क्या कर जाते हैं री ग्रोथ कर जाते हैं एरिड और सेमी एरिड ट्रैक्ट्स की बात करें यानी वैसा जो बलुआही टाइप मिट्टी होती है तो जो पार्टिकल्स ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं उसके के तो वैसा एरिया आपका हो गया एरिड और सेमी एरिड ट्रैक में हो गया यहाँ पे एक्टिव ग्रोथ आपको मिल, देखने को मिलेगा इन वेजिटेशन का जो कि ट्रिगर होता है एक तरीके से साल में एक बार है ना इच ईयर बाय द एविडेंट मॉनसून जैसे ही आता है आपका जुलाई से लेके अर्ली जुलाई के बिटवीन आपका ये क्या है बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं बायोमास इनका बढ़ जाता है यानी यहाँ पे जो पाए जाने वाले पौधे जीव जंतु क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और एक तरीके से पीक वैल्यू में आपका कब पहुँच जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में पीक वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा आपके वहाँ पर घास मिले फ्रूटिंग इज कम्पलीटेड बाय नवंबर आप फ्रूटिंग एक तरीके से कहें कंप्लीट हो जाता है नवंबर में और यहाँ पर जो प्लांट्स है वो मतलब क्या है नवंबर तक आपका कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे प्लांट्स क्या होते हैं ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया है वहाँ पे रिसीव करा जाता है विंटर रेन है ना दे आर यूजली सेकेंड फ्लक्स ऑफ ग्रोथ इन दिसंबर एंड जनवरी तो ये आपका क्या है जब आपके विंटर में यहाँ इंडिया में अगर हम बात करें तो आपका विंटर में भी थोड़ा बहुत रेन होता है जस्ट आपका सेप्टेम्बर दिसंबर से जनवरी के बिटवीन तो ये एक तरीके से सेकेंड फ्लक्स का, का काम करता है और वापस से इसमें क्या है ग्रोथ आपको देखने को मिले वैसे आपकी क्या होगी मतलब काफ़ी ज़्यादा तो ग्रीन नहीं होंगे बट एक तरीके से हरे भरे हो जाते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे इंडिया जो है यहाँ पे 2.4 परसेंट जो है आपका ये जो टोटल एरिया है वर्ल्ड का सपोर्ट करता है मोर देन हाफ ऑफ दी बफेलो समझ रहे हो ना आप यानी दो 2.4 परसेंट जो है टोटल एरिया यहाँ पे जो मतलब वर्ल्ड को सपोर्ट करता है मोर देन हाफ ऑफ बफेलो ठीक है यहाँ पे uh, पूरे दुनिया का मतलब आधा बफेलो यहाँ पे आपको देखने में 15 परसेंट आपके कैटल हैं और 15 परसेंट आपके गॉड्स हैं है ना इसमें से फोर परसेंट आपके सिर्फ है है ना तो इन सभी के लिए एक तरीके से अच्छा मैदान मिल जाता है ना कहा तो यहाँ पे लिखा है द लाइफ स्टॉक वेल्थ प्ले ए क्रूशियल जो एक तरीके से ज़िंदगी है लोगों का एक तरीके से जो चल रहा है एक तरीके से वेल्थ जो प्ले करना एक क्रूसियल रोल करता है यहाँ पे इंडियन लाइफ के लिए ये सारे कैटल्स जो है एक तरीके से लोगों को वेल्दी बनाना है ना तो जस्ट ये इसी कारण हो पाता है यहाँ पे जो आपके मैदान मौजूद है यहाँ पे तो यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फ्यूल की बात करें ड्रट पावर की बात करें न्यूट्रिशन की बात करें रॉ मेटल की बात करें विलेजेस इंडस्ट्रीज की बात करें सारे डिपेंडेंट होते हैं ये जंगलों पे या ग्रास लैंड पे ग्रासलैंड इको जो है इंपॉर्टेंट है मेनटेन करने के लिए डोमेस्टिक डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड हरबी जैसे कि आपका हॉर्स हो गया म्यूल हो गया एस हो गया काउ पिग शिप गॉड बफेलो कैमल जैबरा है ना डियर ये सारी चीज आपके Uh, क्या है उनके लिए फूड प्रोवाइड हो जाता है इनके ग्रास लैंड मिलने के कारण मिल्क हो गया वूल वूल हो गया हाइड हो गया ये ये सभी आपके क्या है ट्रांसपोर्टेशन टू ह्यूमन ठीक है आपका दूध पहुंचता है वूल पहुंचता है आपके आ, गुजरात राजस्थान से काफी ज़्यादा मिल्क इंडस्ट्री आपने आनंद मिल्क इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा तो ये सारी चीज़ आपको मालूम है देन उसके बाद ओवरग्रेजिंग आपका हार्मफुल होता है सिंपल सी बात है हम किसी चीज़ को ओवरली अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देन वो क्या है हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है ना अगर हम बात करें यहाँ मल्च मल्छ जो है ये ये जस्ट आपका क्या होता है तो ये जस्ट आपका इसको हम कहते हैं वेट ग्रासेस है ना वैसा एरिया जहां पे आपके क्या हो अ जहां थोड़ा पानी ज्यादा मिल जाए तो वहां पे वेट ग्रासेज उगाते हैं ठीक है जो कि कवर कर देते हैं सॉइल को है ना औ, कवर ऑफ दॉयल इज रिड्यूज ठीक है मतलब सॉइल का जो कवर हो जाता है रिड्यूज होता है माइक्रो क्लाइमेट बिकम कैसा हो जाता है ड्रायर हो जाता है और जो प्लेस आपका कैसा होता है रिडली इन्वेटेड बाय द जीरो फाइटिक प्लांट्स जीरो फाइटिक प्लांट्स यानी वो जो कटेले वाले पौधे होते हैं ना तो उसे हम जीरो फाइटिक कहते हैं

यहाँ पे लिखा है विच इज इट इज द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड द सोइल एक्सल इट्स रन ऑफ ठीक है तो पूरा का पूरा ये जो आपका क्या कहते हैं सॉइल है सॉइल के अंदर पानी जाता है एक तरीके से आम, वेटनेस मिलती रहती है तो वैसा वाला एरिया हो गया देन उसके बाद आपको डिस्कस करना इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रास लैंड एकोसिस्टम तो यहाँ पे आप सभी को मालूम है इंडिया में किस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है है ना पूरा जो लाइफ स्टॉक है पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है है ना आ, ग्रास लैंड अगर इको ना मिले देन उसके बाद यहाँ पे क्या है हार्मफुल uh, इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हमें लिखना है ओवरग्रेजिंग के बारे में किसी भी एरिया में अगर हार्मफुल uh, मतलब क्या है ज़्यादा आपका <coughs> आ, क्या ग्रेजिंग कर लिया जाता है एनिमल्स द्वारा तो वहाँ पे आपको क्या होगा वहाँ का जो है अगर मान लीजिए ग्रेजिंग कर लिया जाता है यहाँ पे एक लेर हट जाएगा फिर देन वो ड्राई होने के बाद ह्यूमस के लिए वहाँ से क्या हो जाएगी स्केप कर जाएगी हवा के कारण एयर के कारण स्केप कर जाएगी देन वो मिट्टी कैसा हो जाएगा वो अनफर्टाइल हो जाएगा है ना और आपका ये भी मालूम होना चाहिए जब हम ज़्यादा क्या कहते हैं कटाव कर लेते देन ड्रॉट के समय ये मिट्टी मिट्टियों का बहाव भी ज़्यादा हो जाता है ड्रॉट कह रहा हूँ सॉरी फ्लड के समय तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको देखने को मिलती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं आप लिख सकते हो इन्हें देन उसके बाद डेजर्ट इको की बात करें तो डेजर्ट इको कैसा होता है फाउंड होता है रीजन जहाँ पे आपका 25 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल हो ठीक है एनुअल रेनफॉल के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है ये आपका हॉट रीजन होता है है ना और आपका नहीं मतलब सम टाइम्स ये हॉट रीजन होता है क्योंकि डेजर्ट आप अगर हम बात करें तो लद्दाख भी आपका क्या हो सकता है डेजर्ट ही तो रीजन है बट आपका क्या है ये कोल्ड डेजर्ट रीजन है ठीक है यहाँ ठंडा एरिया है अगर हम बात करें थार की या राजस्थान की तो ये आपका क्या है हॉट रीजन है ठीक है तो आपके दोनों तरफ के डेजर्ट हो सकते हैं तो यहाँ पे लिखा है देर इज मोर रेनफॉल वेयर मतलब कहीं पे आपका कहीं ज़्यादा रेनफॉल हो सकता है कहीं पे आपका अनबिलीवेबली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है एनुअल साइकिल है ना आपका जो डेजर्ट होता है वो टेम्परेट रीजन में ही आपका मिलता है ऑफ एंड लाई इन द रेन सैडो ठीक है वो क्या है रेन शेडो में जस्ट लाई करते हैं डेट इज वेयर हाई माउंटेन्स ब्लॉक ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द सी अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ राजस्थान के पास जो आपके क्या है बहुत सारे आपके अरावली के पहाड़ हैं अरावली के पहाड़ क्या करते हैं जो आपके जो वहाँ पे जो साइड से आपके क्या है ओशन से अरब सागर से अगर मैं बात करूँ और अर अरब ओशन अर 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 से बात करूँ सी से बात करूँ तो वहाँ से क्या होता है बहुत सारे आपके जो मॉइस्चर आ सकते थे वो मॉइस्चर नहीं आ पाते हैं अगर मैं बात करूँ क्लाउड की तो जस्ट वहाँ से रुक जाते हैं तो जिस कारण वो एरिया आपका क्या हो जाता है ड्राई रह जाता है ना ये एरिया रिसीव करता है मेरिज uh, रेनफॉल है ना और अलॉन्ग विथ लो रेनफॉल देर आर फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर ठीक है क्योंकि उसमें क्या है रेनफॉल कम होने के कारण वहाँ पे क्या है टेम्परेचर में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा आपका डेजर्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में हो गया सिडनी में आपका मेलबर्न में वैसा एरिया है वहाँ पर आपको डेजर्ट मिलेगा देन अरबिया की बात करें तो अरबियन पैनासुल्ला ही पूरा का पूरा आपका डेजर्ट है देन तर्किस्तान की बात करें अर्जेंटीना में भी आपको मिल जाएगा थार तो आपका बहुत फेमस है जो कि हमारे इंडिया में है देन इंडिया पाकिस्तान दोनों में ठीक है, है? वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान यहाँ पे लिखा भी है गोभी डेजर्ट की बात करें तो मंगोलिया में मिल जाएगा बहुत बड़ा डेजर्ट है भी गोभी डेजर्ट एंड बात करें सिनाई डेजर्ट की जो आपको इजिप्ट में मिलेगा है ना ये और ये भी आपका क्या है डेजर्ट ही है ठीक है तो ये डेजर्ट के इकोसिस्टम के बारे में काफी सारी चीजों को जान सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या है पेरानियल प्लांट्स होते हैं यहाँ पे जैसे कि आपके किस टाइप के होते हैं पेरानियल यानी कटीले वाले जो कांटे काटे होते हैं उनमें उसकी बात क्या यहाँ पे लिखा है क्रियो क्रियोसोट बुशेज ठीक है जिसको हम लेरिया भी कहते हैं ऑर्गेन पाइप कै, कैक्टस भी होता है ये सारे कैक्टस की प्रजातियां हैं ना फेरो कैक्टस हो गया स्पर्जेस हो गया जिसको हम योफोर्विया भी कहते हैं स्कैटर्ड योफोर्विया जस्ट आपके गमले वमले में भी हम रखते हैं उसमें फूल होते हैं छोटे छोटे और वो कटिल टाइप का होता है जानते होंगे आप उनके बारे में देन यहाँ पे डेजर्ट इको सिस्टम है पाए जाने वाले कुछ यहाँ पे लिखा है सेलो डिप्रेस एरिया यानी यहाँ पे जहाँ पे आपका सॉल्ट का थोड़ा सा कॉम्पो डिपोजिट क्या होता है ज़्यादा होता है ना तो यहाँ पे आपका सैक्रो आ, सैरको बैटस हो गया गीज वुड हो गया सिप वुड हो गया या फिर शॉल्ट ग्रासेस हो गया ये आपके कॉमन होते हैं ठीक है यहाँ उन एरिया की बात करें जहाँ पे सॉल्ट डिपोजिट आपको मिल जाएंगे है ना जैसे कि आपका आ, क्या नाम है आपका गुजरात में आपका दांडी वाला जो एरिया है तो उस वाले रीज़न में आपको इस टाइप के पौधे मिलेंगे देन एनुअल बात करें एनुअल यहाँ पे क्या है जर्मिनेट ब्लूम रिप्रोड्यूस जो है आपका शॉर्ट रेनी सीजन में आपके क्या है ये सारे प्लांट ग्रो होते हैं नॉट इन समर है ना और विंटर समर और विंटर में नहीं होते जस्ट थोड़ा बहुत रेन होता है तो उसी कारण वह थोड़े से रिप्रोड्यूस एंड क्या कहते हैं जर्मिनेट कर पाते हैं है ना जस्ट ये आपका क्या है ये एडाप्टेशन है इन डेजर्ट कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट का एनिमल आपके हो गए जो रेप्टाइल हो गया इंसेक्ट हो गया है ना डेजर्ट में मिलते हैं और आपके कैसे होते हैं ये इम्परवियस इंटिगूमेंट्स जिनके ऊपर क्या होता है ड्राई एक्सट्रक्शन एनेबल होता है ना उनका जो एक तरीके से इंटगमेंट की बात करें काफ़ी ज़्यादा वो कैसा होता है ड्राईली होता है वो है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर क्या है एनेबल देम टू गेट अलोंग ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ठीक है तो उनका जो एक तरीके से इंटिक्यूमेंट इस तरीके से होता है कि वो ड्राई एक्सक्रेशन में भी वो क्या है एक तरीके से वो कम पानी में भी वो अपना काम चला लेते हैं ना हम बात करें कुछ फ्यू स्पीसीज हैं जैसे कि इसमें नॉक्टर्नल रोडेंट्स दे रखा है फॉर एग्जाम्पल बात करें जैसे कि एक्सक्रीट करना वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन ठीक है बहुत ही कम मतलब कंसनट्रेटेड यूरिन होता है डो नॉट यूज़ वाटर यू वाटर नहीं करते यूज़ एंड फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन ठीक है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए वाटर यूज़ नहीं करते एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा है कैन लिव इन द डेजर्ट और आसानी से रह पाते काफ़ी समय तक बिना पानी पिए कुछ एनिमल हो गया जैसे कि आपका कैमल हो गया जो कि पानी तो आपका पीता है लेकिन एक बार पी लेता है ना पीरियडिकली यहाँ पे लिखा है बट फिजिकली फिजियोलॉजिकली अडेप्टेड टू विध स्टैंड टिश्यू डिहाइड्रेशन एंड एप्रिसवली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम ठीक है तो उनका टिश्यू कुछ इस टाइप का होता है जो कि आपका डिहाइड्रेशन होने नहीं देता उस कैमल के बॉडी को है ना तो देन वो क्या है काफी लंबे समय तक uh, क्या है uh, जीवित रह पाता है एक तरीके से पानी के बिना और उनके पास एक हम्प भी होता है ना हम्प है ना इस तरीके से कूबड़ होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट स्टोर होता है तो इससे भी वो लोग काम चला लेते हैं कैमल uh, की बात कर रहा हूँ मैं देन उसके बाद हम बात करें वाटर जो है यहाँ पे डोमिनेटिंग लिमिटिंग फैक्टर है प्रोडक्टिविटी अगर हमें इंक्रीज करनी है डेजर्ट की वो एमोंगस्ट क्या है यहाँ पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है रेनफॉल में है ना रेनफॉल होगा तभी वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी हो पाएगी सॉइल जो आपका होता है सुटेबल है इरिगेशन कैन कन्वर्ट डेजर्ट इनटू अ सम पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड तो जहाँ जहाँ पे हमने इरिगेशन की व्यवस्था करी है तो वहाँ पे आपके कुछ डेजर्ट है जहाँ पे हमने क्या प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर लैंड में हमने उसको बदला है है ना और एक तरीके से ये क्या है वेदर प्रोडक्टिविटी इज कंटिन्यूअस और इज टेम्पररी ब्लूम डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन वेल टू एबल टू स्टेबिलाईज द बायोजियोलॉजिकल एनर्जी फ्लो एट है तो इनक्रीज इरीगेशन रेट ठीक है तो जैसे जैसे वहाँ पे इंक्रीजिंग अगर हम कर सकते हैं रेट तो देन वहाँ पे आपको क्या काफ़ी ज़्यादा हम क्या है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल लैंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपकी टेम्प्रेरी ब्लूम की तरह हम कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप देखोगे कि, कि सऊदी में भी काफ़ी जगह आपके इस तरीके से गोले गोले करके क्या है आ, खेती करते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा नीचे से पानी निकालते हैं एंड ग्रीन फील्ड इस तरीके से एकदम ड्रॉप इरीगेशन हो गया ना इन सब सबकी माध्यम से ही वो लोग खेती करते हैं तो हर जगह खेती हो सकती है खाली उसमें आपको क्या करना होगा थोड़ा बहुत वाटर चाहिए इरिगेशन के लिए और थोड़ा सा न्यूट्रिशन चाहिए मिट्टी में ठीक है एंड देन यहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स हो गए जैसे कि आपका आ, जैसे में इसमें, इसमें लिखा है दे रकॉ टू स्पीसीज इसमें दो स्पीसीज मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है टेस्टोडाइंस लिखा है जिसको हम लॉरी काटा कहते हैं इसमें एटीन स्पीसीज है जैसे कि इसमें एटीन स्पीसीज ऑफ सॉरी लिजार्ड मिल जाएगा एटीन स्पीसीज ऑफ स्नेक्स मिल जाएगा लिजार्ड और कुछ कैलोटस वेरसिकस वर्सिकलर है ना और यूरोमेस्टिक्स हार्डविकी है ना इनका जो है प्रीडेटरी होते हैं ये है ना और वो डेजर्ट में जो लोक लोकस्ट होते हैं ना है ना आ, डेजर्ट लोकस्ट तो इनहेबिट करते हैं लोकलाइज एरिया ऑफ थार डेजर्ट ठीक है तो थार डेजर्ट में मोस्टली आपको इस टाइप के एनिमल्स मिल जाएंगे स्पीसीज मिल जाएंगे प्रीडोमिनेंट प्रीडेटर बर्ड्स की बात करें तो इसमें टू स्पीसीज है वल्चर हो गया एंड व्हाइट रंप्ट वल्चर हो गया है ना ये सारे आपको मिल जाएंगे व्हाइट स्कैमेंजर वल्चर भी मिल जाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं न्योप्रॉन ये क्या है पैरक्नो पेट्रस ठीक है देन मेमलियन फोन फोना की बात करें इन इंडियन डेजर्ट में तो आपका बहुत सारे स्पीस इंक्लूड होता है जैसे कि रेड टेल्ड बैट हो गया है ना एंड उसके बाद आपका लॉन्गर हेड्स हॉग हो गया और आपका इंडियन हेयरी फुटेड गैरबिल हो गया बोअर हो गया जंगल कैट हो गया पैंथर्स हो गई सारी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे देन यहाँ पे आप इंडियन डेजर्ट uh, के बारे में यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं जस्ट यहाँ पे आप चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना ठीक है यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे बस वो क्या कहते हैं जैसलमेर के बारे में लिखा है यहाँ पे अगर मैं पढ़ने का बता ही देता हूँ आपको ठीक है यहाँ पे मोस्ट हैवली पॉपुलेटेड डेजर्ट रीज़न आपका जो है पूरी दुनिया का वहाँ पे इंडियन डेजर्ट ही रीज़न है आपका दो के सेंसस के अकॉर्डिंग हम बात करें वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है अगर हम बात करें झुंझुनू की तो यहाँ पे तीन मिल जाएगा है ना तीन से 17 जो आपका पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर आपको जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा एंड सेटलमेंट पैटर्न जो है वो वहाँ पे कॉम्पैक्ट और एंटायरली स्प्रेड है है ना जिसके कारण यहाँ पे क्या विलेजेस आर द बोथ द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स एंड स्प्रेड होम धानीस ठीक है वहाँ पे जो सेटलमेंट है काफी ज्यादा क्लोजली कॉम्पैक्टली किया जाता है, है ना ऐसा नहीं है कि काफी दूर दूर में आपके घर मिलेंगे काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली मिलेगा अगर जो जैसलमेर गया हो उनके बारे में जानता भी होगा रूरल पीपल कैसे होते हैं झोपड़ियों में रहते हैं स्मॉल विलेज को हम आ, क्या कहते हैं स्मॉल विलेज या फिर धानी या होम स्टेड भी कहते हैं ना वहाँ पे छोटे छोटे गांव होते हैं डेजर्ट सोसाइटीज़ कैसा होता है तो मल्टीट्यूड ऑफ कास्ट कई सारे कास्ट और सब कास्ट मिल जाएंगे है ना वहाँ पर ट्राइब्स भी मिल जाएंगे लार्ज विलेजेस आपके क्या होते हैं पावरफुल होते हैं लोकल चेफ्ट एंड रेजिडेंस कंस्ट्रक्टेड एंड फॉरेस्ट्रीज डेवलप्ड इन टू टाउन कई तो टाउन में डेवलप हो जाते हैं कुछ लोकल ट्रेडर सेंटर्स भी हैं है ना एक तरीके से जो एग्रो पेस्टोरल है ना ये सारी चीज़ों का वहाँ पे व्यापार वगैरह होता रहता है या आ, और भी यहाँ पे लिखा है जो लिप स्टॉक जो पॉपुलेशन है रिकॉर्ड किया जाता है नाइन पॉइंट एट मिलियन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में था नाइनटीन फिफ्टी सिक्स सेन एटी वन के बीडो है ना एंड यहाँ पे नाइनटीन सेवेंटी टू से नाइनटीन एटी थ्री स्टॉक पॉपुलेशन जो आपका होकर फोर्टी टू परसेंट बढ़ गया तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टिक मार्क वाला तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि यही आपके क्वेश्चन आपके इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपके क्या होंगे पेपर में बनेंगे है ना तो यहाँ पे लिखा है विच एनिमल ड्रिंक वाटर पीरियडिकली फिजियोलॉजी अरे ये तो यहाँ पे पढ़ते ही हमें मालूम चल गया कि अब पीरियोडिकली जो पानी पीने वाला है फिजियोलॉजिकली डेप्टेड होता है उसका टिश्यू डिहाइड्रेशन से बचने के लिए है ना तो जस्ट आप कैमल पे टिक कर दोगे आंख बंद करके है ना देन उसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है विच बायोम एक्सपीरियंस इज इंटेंस क्या है एक्शन ड्यूरिंग द अप्रैल एंड जून ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो बायोम है जो कि आपका एक्सट्रीमली हीट क्या करता है अब ऑब्जर्व करने का uh, काम करता है ठीक है तो यहाँ पे आप लगा दोगे दूसरे में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे लगा दोगे आप ग्रास लैंड ठीक है ग्रास लैंड जो ब्लू बायोम है वहां पे आपका कम रेनफॉल देखने को मिलता है और हीट भी काफी ज्यादा होती है स्ट्रॉन्ग व्वाइंट भी वहाँ पे ज्यादा चलता है देन यहाँ पे लिखा है ऑन विच एनिमल ये क्या है कैलोटस एंड यूरोमेस्टिस्क जो होते हैं प्रीडेटर होते हैं था डेजर्ट में तो यहाँ पे बताइए कौन से होते हैं प्रीडेटर होते हैं तो ये जो डेजर्ट लूकस जो होते हैं ना जो आपके टिड्डे होते हैं जस्ट उसके वो क्या होते हैं प्रिडेटर होते हैं शिकारी होते हैं ये ठीक है ये प्रे एज अ प्रे होता है ना तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा देन उसके बाद और भी आपके क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे और नहीं है तो यहाँ पे हमने क्या है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देन उसके बाद एक्वेटिक सिस्टम पे आ जाते हैं तो जो आपका ग्लोबल वाटर जो है वो आपका थ्री क्वार्टर जो है अर्थ का वो सरफेस क्या है आपका एक्वेटिक है आइदर एज फ्रेश वाटर की बात करें जिसमें आपका जिसमें सॉइल सॉरी सॉल्ट कंटेंट कितना हो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं सैलाइन वाटर कहते हैं जिसमें आपका सॉल्ट कंटेंट कितना हो थ्री पॉइंट फाइव परसेंट हो उसको हम ब्रैकिस वाटर कहते हैं जो मैं बता रहा हूँ एकदम तो ध्यान से सुनिए ये वाला इंपॉर्टेंट है एंड बात करें वैसा जिसमें आपका इंटरमीडिएट हो है ना यानी आपका सॉल्ट वाटर और सैलंड वाटर का इंटरमीडिएट हो बीच का पानी हो तो ये आपका क्या होगा बिकॉज ऑफ द साइल कंटेंट एचूरीज एंड ओशंस बी आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज ठीक है तो वहाँ पे आपको क्या है इस तरीके से डिफरेंट uh, Uh, जो सॉइल का कंटेंट है वो अलग होने के कारण ओशन और इन सब में आपका क्या है अलग तरह के स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं ठीक है ओशन वाले आपके स्पीसीज अलग होते हैं और जो आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उसमें आपके स्पीसीज अलग होते हैं ठीक है यहाँ पे इको की बात करें फ्रेश वाटर इको की दो टाइप के इको की बात करें हम जिसमें जीरो वो आपका सलाइन है है ना uh, Theline बोला जाता है इनमें है ना एंड थ्री पॉइंट फाइव वो आपका ब्रैकिश हो गया ज्यादा ही नमकीन पानी होता है ये तो ये आपके लेक हो गया पौंड हो गया स्वैम्प हो गया पूल हो गया स्प्रिंग हो गया स्वेम हो गया रिवर हो गया ये सारे आपके फ्रेश वाटर कहे जाएंगे ठीक है अब मरीन इको की बात करें तो सेलो सीज हो गया ओपन ओशन हो गया ये आपका मरीन इको को कैरी करता है देन ब्रैकिस वाटर की बात करें यहाँ पे चेरीज हो गया मार्स शॉट मार्शेज हो गया मैंग्रोव वन हो गया ना जो कि आपका सुंदर डेल्टा में मिलते हैं एंड स्वैंप्स हो गया एंड फॉरेस्टेज फॉरेस्ट हो गया ये सारे आपके एक्वेटिक सिस्टम के पार्ट हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो अनबिलेबली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है बट कैन बी क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ द लाइफ एंड लोकेशन ऑफ द फाइव ग्रुप ठीक है इसको पांच ग्रुप में बांटा जाता है ठीक है उनके क्या बेसिस ऑफ जो लाइफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है है ना यहाँ पे पहला वाला जो है ये है न्यूस्टॉन क्या है न्यूस्टोन इसे हम कैसे कहेंगे न्यूस्टॉन तो ये जो क्या है अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके क्या है लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस क्या है एयर वाटर इंटरफेस में रहते हैं जहाँ पे आपका क्या होता है एयर का प्रेजेंस आता होता है वाटर में जैसे कि आपके फ्लोटिंग आ, प्लांट्स की बात करें यानी अगर हम बात करें ये जो ऊपर ऊपर में जो आ, क्या है ऊपर में होने वाले यहाँ पे जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं कई सारे तो उनको हम क्या है नेस्टॉन कहते हैं है ना और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि आपके क्या है इसी वाले इसी वाले लेयर में मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे प्लैंकटन भी दे रखा है हाँ प्लैंगटन से है एग्जाम्पल क्या बिटल्स हो गए सॉरी बिटल्स हो गए है ना प्लैंकटन ने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो है स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ पूरी जिंदगी अपनी यही एयर वाटर इंटरफेस में इंटरफेस में एंड कुछ जो है जो वाटर स्ट्रीडर्स होते हैं जो कि एकदम पानी के किनारे होते हैं एंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि जस्ट बीनीथ द एयर वाटर इंटरफेस ठीक है वो एयर वाटर इंटरफेस के जस्ट नीचे रहते हैं है ना ऑप्टन मोस्ट देयर फूड इन वाटर और जो अपना फूड वूड जो भी है सारा वो वहीं से मैनेज करते हैं वो तो जैसे कि आपका बेटल हो गया और ब्लैक स्विमर हो गया है ना फिर उसके बाद आता है पेरीफाइटोन पेरीफाइटॉन वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें आपका क्या होता है अटैच्ड होते हैं मन मतलब वो अटैच होते हैं और क्लिंगिंग होते हैं किससे स्टेम से लीव से रूटेड प्लांट्स होते हैं एंड क्या है सबस्टांस इमर्जिंग अबव द बॉटम मड ठीक है जो नीचे में जो मड होते हैं ना जस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये है ना तो अटैच्ड होते हैं मतलब उनके जो रूट्स वगैरह होते हैं यूजुअली सेसल होते हैं जैसे कि एलगी हो गया है ना एंड uh, Group, fall in the group, और जो भी इनमें जो आपके जो इनसे जो एसोसिएट करते हैं में, में मिलेंगे ठीक है तो ये हो गए कुछ आपके अः देन उसके बाद पेरीफाइटोन ये देखिए ये देखिए यहाँ पे जो जस्ट ये किनारे में जो मर्ड्स होते हैं ना तो यही पे आपके ये पेरीफाइटोन है ठीक है पेरीफाइटोन समझ गए हो गया आप कोई दिक्कत देन इसके बाद यहाँ पे प्लैंगटन लिखा है तो प्लैंकटन आपके किस टाइप का होगा तो ये जो ग्रुप है आपके माइक्रोस्कोपिक भी प्लांट्स भी होते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट जिसमें आपका एलगी हो गया जिसको हम फाइटो प्लैंगटन भी कहते हैं ना और एनिमल्स दोनों आपको मिल जाएंगे प्राइमली प्राइमरली आपके कैसे होते हैं क्रस्टेशियंस होते हैं क्रस्टेशियंस हम इनके बारे में हम अभी हम जब जुलॉजी पढ़ेंगे है ना आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे तो उसमें हम क्रस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटोजोन्स हो गए जिसे हम जू प्लैंगटन्स कहते हैं जू प्लैंगटन्स प्रोटोजोन्स में जू प्लैंगटन्स पाए जाते हैं देन उसके बाद ये सारे आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिल जाएंगे एक्सेप्ट सर्टेन यानी जहाँ पे स्विफ्ट मूविंग वाटर यानी जहाँ पे पानी का बहाव होता हो तो वैसे एरिया में आपको नहीं मिलेंगे बाकी आपको सभी ठहरे हुए पानी में आपको मिल जाएंगे लोकोमोटरी पावर की बात करें इसमें प्लैंगटन की वो लिमिटेड होते हैं इसलिए उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है कंट्रोल होता है लार्जली बाय करंट इन दी एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना कुछ फाइटो प्लैक्टन और जू प्लैक्टन होते हैं वो क्या होते हैं कैपेबल होते हैं किसके एटलीस्ट सम मूवमेंट मूवमेंट ठीक है कुछ वो क्या है कर पाते हैं बाकी ज्यादातर आपके स्पीसीज क्या मूवमेंट कम ही करते हैं इसमें प्लैंकटन की बात कर रहे हैं हम ठीक है देन नेक्टन की बात करें नेक्टन आपका किस टाइप का है तो ये ग्रुप आपके एनिमल कौन से कंटेन करते हैं जो कि स्विमर होते हैं यानी जो तैराक होते हैं बहुत सारे स्पीसीज है ना वैसे रिलेटिवली लार्ज एंड पावरफुल होते हैं एंड एंड ये क्या है ओवरकम द वाटर करंट ठीक है वो वाटर करेंट्स के ऊपर आते हैं एंड देन एनिमल जो है इसमें रेंज जो है इसका साइज का फ्रॉम स्विमिंग एंड इंसेक्ट ठीक है इसमें इंसेक्ट हो गया साइज जो है इंसेक्ट के साइज से लेके पे विच में बी ओनली अबाउट टू एम एम यानी दो मिलीमीटर mm लंबा हो सकता है लार्जेस्ट एनिमल की बात करें हैव लिव्ड ऑन अर्थ नेमली द ब्लू वेल ठीक है ब्लू वेल आपका सबसे बड़ा एनिमल है जो कि आपका पानी के अंदर रहने वाला स्विमर है ना एंड बैंथोस की बात करें तो बैंथोस आपका क्या होता है तो वैसे एनिमल यहाँ पे जो बैंथनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फाउंड कहाँ होते हैं जस्ट ये बॉटम में है ना बैंथनिक जस्ट ये बॉटम ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी है जो पानी के बॉटम में पाए जाते हैं तो वैसे एनिमल आपके बैंथोस कहलाते हैं बैंथनिक रीजन में बैंथनिक भी कहलाते हैं ना uh... देन उसके बाद ये जो ये कहाँ एग्जिबिट करते हैं तो वैरायटी ऑफ एडेप्टन हो गया एनवायरनमेंट में सिंस द बॉटम इज़ अ मोर हैट्रोजीनियस हैबिटेट तो जब हम बॉटम में पहुँचते हैं किसी भी आप जलाशय या मैं कहूँ लेक हो गया ओशन हो गया जो भी आपका है वो वाला जो रीज़न होता है आपका बहुत ही ज़्यादा वराइटी ऑफ एडप्टेसन को कैरी करके रखता है हैट्रोजीनियस हैबिटेट होता है यहाँ पर काफ़ी सारे पौधे पाए जाते हैं एंड यहाँ पर जो ओपन वाटर सरफेस की बात करें और द सर्फेस बैंतोज में आपको क्या है क्रैब हो गया लोपस्टर हो गया स्पॉन्जेस हो गया ये मोस्टली आपको आ, मिल जाते हैं इसमें कई सारे टॉपिक्स लग रहा है मेरे ख्याल से गायब है बैंकोस तो के बाद पहलेजिक भी था आपके बुक में लेकिन इसमें नहीं है बट कोई नहीं हम समझा देंगे आपको जितना हो सके तो देन उसके बाद यहाँ पे फ्रेश वाटर इको की बात कर सकते हैं हम फ्रेश वाटर इको में आपका वैसा है जो इसमें आपके टेरेस्ट्रियल इको जो है वो डिपेंड करते हैं है ना लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर जो है आपका विच आर कॉन्स्टेंटली एडेड उसमें ऐड होता रहता है कम्युनिटीज को ग्रो करने में Uh, मतलब वो नियर बाय लैंड जो है वो ग्रो करता रहता है एंड hmm. उसके बाद हम बात करें फ्रेश वाटर इको की वो डिवाइड करा जाता है टू दो मेन डिवीजन में जैसे कि आपका पहला हो गया लैंटिक हो गया लैंटिक का मतलब क्या होता है लैनिस या फिर काम कहते हैं ठीक है एंड स्टैंडिंग ऑन अ बेस इन सीरीज ऑफ द इको ठीक है जस्ट वो स्टैंडिंग प्लांट्स वगैरह हो गए ना उस टाइप के वो लेंटिक फॉर्म में मतलब uh, प्लांट कह रहा हूँ सॉरी वो लेंटिक वाटर यानी एक तरीके से काम एकदम ठहरा हुआ पानी जिसे कहेंगे ना जस्ट वैसा होता है जैसे कि पे लिखा भी है लेक हो गया पूल हो गया पॉन्ड हो गया स्वैम्प हो गया मार्सेस हो गया ये क्या होते हैं आपके फ्रेश वाटर में <laughs> मतलब फ्रेश वाटर वाले होते हैं लेंटिक होते हैं एंड देन बात करें दूसरा लॉटिक लॉटिक आपका क्या होता है लोटस है ना वॉस्ड लोटेक का मतलब होता है वॉस्ड यानी रनिंग होते हैं यानी चैनल ऑफ सीरीज होता है इनका इको सिस्टम एग्जाम्पल अगर हम बात करें रिवर हो गया स्ट्रीम हो गया, हो गया गया स्प्रिंग इसमें क्या है ये पानी क्या होते हैं थोड़े बहते हुए से लगेंगे स्ट्रीम काफी बड़े बड़े होते हैं उसमें पानी क्या है जस्ट तो उसमें रनिंग uh, आपको देखने को मिलेगा है ना जैसे लग रहा है कि पानी चल रहा हो है ना तो ये आपके कुछ हो गए देन उसके बाद यहाँ बात कर ले हम जो टू फ्रेश वाटर इको है वो कैसा है डिस्क्राइब किया जाता है फॉलोइंग सेक्शन में यहाँ पे लेक्स की बात करें इनलैंड डिप्रेशन की बात करें स्टैंडिंग वाटर की बात करें ये आपका क्या कंसिडरेबली एरिया एंड डेप्थ में आपको मिल जाएगा ठीक है तो और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि जो ले, लेक वाटर है वो होल्ड करता है वन ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू द पावर थ्री मिलीमीटर क्यूब जो है आपका वाटर कैरी करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों को है ना सर्कुलेशन जो है आपका बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग एंड नॉट टोटली स्टैटिक तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं देन उसके बाद लेक जो ये क्या है एम्पावेंट्स इन वेटलैंड लैंड यहाँ पे देखिए ये पढ़ने वाली चीजें हैं तो लेंटिक इको सिस्टम जो इंक्लूड करता है सभी इको सिस्टम को ठीक है हैव स्टैटिक बॉडी ऑफ वाटर ठीक है जो स्थिर रहने वाले जो बॉडी होते हैं मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म हो वैसे भी कैरी करता है और इम्पावेंट ऑफ तो वेटलैंड और, और लेंटिक इको सिस्टम भी कैरी करता है ठीक है तो ये हो गया आपका देन उसके बाद यहाँ पे जो लेक्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ जो रीज़न है वो अकोर रीज़न जो है आपका वो रिसेंटली है सब्जेक्टेड टू जियोलॉजिकल चेंजेस हम क्या है जियोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी उसमें देखने आए बीस हज़ार साल uh, से इसमें क्या है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने कुछ लेक जो है आपके जैसे कि बैकल की बात करें रशिया का या फिर लेक आ, और क्या हो गया तनगानियन यह नितिया ठीक है ये तनगानिय नितिया जो है ये अफ्रीका का ये कुछ एशियंट है जो कि एस्टिमेट किया जाता है टू हैव ऑर्जिनेटेड ट्वेंटी मिलियन ईयर एगो यानी बीस मिलियन ईयर एगो से भी ये ज़्यादा पुराना है यहाँ पे लोक तक लेक के बारे में भी लिखा है जो कि मणिपुर स्टेट में है ठीक है इसके बारे में भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं है, है ना देन उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फ्री प्लांट फ्लोटिंग प्लांट्स आपको मिल जाएंगे काफ़ी इसके बारे में आप सर्च करिएगा यूट्यूब में और देखिएगा लोक तक लेक के बारे में ठीक है Uh, क्योंकि इंडिया के बारे में जानना बहुत अच्छी बात है पूरी दुनिया के बारे में जानते हो अच्छी बात है लेकिन इंडिया के बारे में नहीं जानते तो बहुत बुरी बात है एमपाउंडमेंट्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं दे मे बी कॉल्ड ऑफ स्टैम ऑफ स्टैम या ऑन स्टैम डिपेंडिंग ऑन हाउ दिस बीन क्रिएटेड ठीक है ये मतलब किस तरीके से क्रिएट हुए हैं ऑन स्टैम रिजर्वायर की बात करें तो वैसा होता है ये लोकेटेड इन अपलैंड एरिया अपलैंड यानी ऊँचाइयों पे होता है ये फाउंड बाय डैमिंग अ स्ट्रेच ऑफ अ रिवर एंड स्ट्रीम है ना जस्ट वो एक तरीके से रिवर के ही जस्ट किनारे में वो इस बन जाता है ना इंडिया की बात करें तो इस टाइप के जो आपके एमपाउंडमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं ऑफ स्टैम रिजर्वायर भी हैं जो कि आपके क्या हैं बोल्ट इन अ लो लैंड एरिया जब वो पानी क्या होता है उस चढ़ाई से जब नीचे आता है मतलब एक तरह इसका अल्टीट्यूड से नीचे आता है तो देन उसके बाद वो क्या बनाता है ऑफ स्टैम रिजर्वायर बनाता है ठीक है तो उसको हम ऑफ स्टैम एम्पावेंट भी कह सकते हैं तो ये एरिया आपका क्या है पंपिंग वाटर सम डिस्टेंसिस फ्रॉम अ रिवर ठीक है कई दूर तक तो ये क्या है रिवर द्वारा तय किया जाता है एंड फ्रॉम एन अंडरग्राउंड सोर्सेज ठीक है फ्रॉम या फिर वो अंडरग्राउंड सोर्सेज द्वारा भी वो क्या है निकलता रहता है मतलब जमीन से भी तो निकलता है पानी है ना तो देन उसके बाद पे वेटलैंड्स के बारे में बात की गई है तो वेटलैंड्स आपके क्या होती है परमानेंटली या पीरियोडिकली वाटर कवर होती है एरियाज होती है है ना वैसा एरिया जो कि आपका पीरियोडिकली साल में एक बार या फिर परमानेंटली वो वैसा एरिया होता है कि जो वाटर से कवर होता है काफी सारे आपको मिल जाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं मैं भूल गया अभी अभी नाम याद आ रहा था मेरे को चलिए याद आगा तो मैं बता दूंगा दे कैन बी डिफाइंड एज समझ ऐसा एरिया जहाँ पे आपका क्या होता है समझ होता है सैचुरेटेड लैंड होता है आधा पानी और आधा लैंड यानी वहां पे जो आपको वाटर और लैंड के बिटवीन जो थिकनेस है काफी कम मिलेगी है ना मतलब पानी से ढका होता है ऐसा समझ लिया आर्टिफिशली भी क्रिएट किया जाता है एंड नेचुरली भी इसको किया जाता है ठीक है इसको हम कहते हैं राम आ, क्या फिर से याद मैं भूल गया अभी याद आ रहा था मेरे को आइदर पीरियोडिकली एंड परमानेंटली कवर्ड आप एंड डेप्थ ऑफ़ सिक्स मीटर ऑफ द वाटर देखो सिक्स मीटर तक इनका डेप्थ हो सकता है हाइस्ट एंड फ्रेश ब्रैकिस और स्लाइन तीनों टाइप के होंगे यहाँ पे वेटलैंड जो है क्लासिफाइड किया जाता है दो कैटेगरी में एक इनलैंड वेट होता है वेटलैंड होता है जो कि आपका कहाँ को होता है वैन इंड लैंड इज सराउंडेड बाई लैंड ठीक है जो कि आपका लैंड द्वारा सराउंडेड हो और कंटेन क्या करता है फ्रेश वाटर जैसे कि हम बॉक्स और स्वैंप्स को कहते हैं एंड उसके बाद कुछ कोस्टल वेटलैंड्स भी होते हैं जो कि आपका नियर द कोस्ट यानी कोस्ट के किनारे होते हैं जैसे कि सलाइन और ब्रैक वाटर होता है ना जैसे कि मैंग्रोव हो गया मैग्रूव स्वैम्प हो गया मैग्रूव फॉरेस्ट हो गया जस्ट आपका क्या है कोस्टल वेटलैंड्स में ही ग्रो होते हैं यहाँ पे लिखा है थ्रेटसू वेटलैंड्स इन आसाम आसाम में भी काफ़ी ज़्यादा वेटलैंड्स पाए जाते हैं है ना तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे आप पढ़िए इनके बारे में एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन जो है ए आर एस सी जो कि गुवाहाटी में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद रिवील करता है यह क्या लिखा है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टीन वेटलैंड जो है आसाम में वो क्या है अंडर सीवियर थ्रेट है क्योंकि वहाँ पर क्या है इन्वेजन ऑफ एक्टिक वीड्स बहुत सारे जो वीड्स होती हैं ना जो अनवॉन्टेड प्लांट्स होती हैं वो क्या है ग्रो हो जाती है एंड देन वहाँ पे कुछ सेवरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करती हैं जिसके कारण ये वेटलैंड्स को क्या है एक तरीके से ख़राब करने का काम कर रही है ना यहाँ पे क्या लिखा है ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है इनके पास इनकम फॉर द स्टेट ऑफ टर्म्स एंड फिशरीज एंड टूरिज़म ठीक है टूरिज्म के लिए हो गया फिशरीज के लिए काफ़ी ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्ले करता है ये है ना वेटलैंड हो गया असम का जो कि आपका कैपेसिटी रखता है कितना ये फाइव थाउजेंड टन हेक्टेयर पर ईयर ऑफ फिश ठीक है uh, fish, काफी ज्यादा यहाँ पे फिश का प्रोडक्शन करा जा सकता है यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड टन फिश जो है इम्पोर्ट किया जाता है लोकल डिमांड के अकॉर्डिंग ठीक है दिस इज प्राइमली टू द पुअर वेटलैंड मैनेजमेंट और ये खराब क्यों हो रहा है लॉकटिक इको सिस्टम की रिवर की तो लॉकटिक आपका क्या है फॉलोइंग वाटर इंक्लूडिंग रिवर स्टैम्प ब्रुक्स हो गए ये सारे जो आपके बहते हुए पानी हो गए ये आपके लॉक्टिक इकोसिस्टम में आते हैं यहाँ पे आपका क्या आउटस्टैंडिंग फीचर्स की बात करें इसमें क्या दे रखा है

मे बी यूज टाइम ठीक काफी बार यूज किया जाता है यहाँ पे और जो रिवर है रिवर एट इन पॉइंट्स प्लांट एंड एनिमल मस्ट अवेल द टेम्परली अवेलेबल न्यूट्रेंड्स ठीक है तो ये सारी चीज हो गई बायोटा एंड रिवर्स बायोटा क्या है बायोटा बोथ द रैपिडली फ्लोइंग एंड द स्लोली ग्रोइंग सेक्शन ऑफ द रिवर जो इसमें बायोटा है वो काफी ज तेजी से नहीं बढ़ते क्यों सिंपली अगर स्टेगनेंट वाटर नहीं होगा स्थिर वाटर नहीं होगा तो देन वहाँ पे जो आपके बायोटा हैं वो ग्रो आसानी से नहीं करेंगे ना उसके लिए चाहिए बहता हुआ जल रहेगा तो उसमें आसानी से नहीं ग्रो करेंगे उसके लिए चाहिए स्टेगनें वाटर ठीक है स्थिर वाटर चाहिए तो देन वो रैपिडली ग्रो कर सकते हैं देन एनिमल्स की बात करें यहाँ पे क्या है वहां पे आपको क्या है एक्सपोज रॉक हो गया उसमें आपके सर्फेस में आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है आपके कैसे मिलेंगे एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर स्टेइंग वन प्लेस ठीक है एक ही प्लेस पे रहने वाले आपको ज्यादातर स्पीशीज मिलने वाले हैं वो एक तरह से मैकेनिज्म डेवलप कर लिया आपने अंदर फ्रेश वाटर जो लिम्पेट हो गया लार्वा हो गया वाटर पैनी हो गया है ना जिसे रिफिल बेटल्स भी कहते हैं एंड फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हो गया कैडिस हो गया फ्लाइज ये सारे आपको यहाँ पे एनिमल्स मिल जाएंगे माइक्रो हैबिटेट की बात करें तो आपका कौन से स्पेसिस में फॉर्मड होता है तो रॉक फ्रेगमेंट्स हो गया जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना? है ना जस्ट उनको शेल्टर प्रोवाइड कराता है स्टोन फ्लाई हो गया ड्रैगन फ्लाई हो गया ये सारे आपको क्या है विच आर फ्लैट एंड हैव बिहेवियरल अडेप्टन टू होल्ड इन अ प्लेस जो उनका बिहेवियर होता है एक तरीके से एक जगह उनको रखने में मौजूद करता है क्लिंगली इंस्टिंग द हार्ड सरफेस एन दलोंग द करेंट ठीक है तो पानी के करेंट पे भी वो क्या होते हैं रुक जाते हैं देन यहाँ पे माइक्रो हैबिटल बिनित की भी बात की गई है जहाँ पे आपका रॉक में आपको क्या है करंट इज़ अ वीक ठीक है जो आपका पत्थर के नीचे जो वाटर का करंट होता है काफ़ी ज़्यादा वीक होता है है ना ज़्यादा तेज़ी से फ्लो नहीं करता हम किनारे किनारे जो बात करेंगे तो पानी का जो बहाव होता है वो काफ़ी कम होता है तो उसमें आपके कई एनलिट्स हो गया फ्लैटफॉर्म हो गया काम्स हो गया स्नेल हो गया ये सारे स्पीसीज लार्वा उसके लार्वा भी वहाँ मिल जाते हैं ठीक है रैपिडली ग्रोइंग हैबिटेट की बात करें तो नेक्टोन आपका जो है आपका इस करेंट में होने वाला सबसे तेजी से स्पीसीज होता है देन उसके बाद यहाँ पे कोल्ड वाटर फशिज भी है हो गए ट्रॉट हो गए सेलमोन हो गया ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ठीक है वेरी स्ट्रॉन्ग नेक्टोन यहाँ पे क्या लिखा है इन एरियाज वेर द करेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग क्या होता है कि वैसे एरिया जहाँ पे स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा करंट होता है तो नेक्टोन वहाँ पे अपसेंट होता है ठीक है नेक्टोन में जो पाए जाने वाले स्पीसीज होते हैं वो वैसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे करंट क्या जा है वाटर करंट ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए बैंथज आपका कैसा होता है वेराइट इन अ फॉर्म ऑफ एंटायर कम्युनिटी प्लांट्स हो गया जो कि आपका क्या है इस ऑनली स्मॉल होता है वेल अटैच फॉर्म होता है जैसे कि आपका एलगी हो गया है ना यही सर्वाइव कर पाता है और आपका प्रेजेंस ऑनली फ्यू ऑफ प्लांट्स जो है न्यूट्रन बेसिस एंड ऑर्गेनिक डेटस वॉश हो जाता है ना क्योंकि वहां से पानी में अगर बात करें हम जो ह्यूमस है वो वहाँ पे तो ठहरेगा नहीं तो वहाँ पे सिंपली प्लांट भी ग्रो नहीं होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको ऑर्गेनिक मेटेरियल वगैरह चाहिए होता है देन उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी दे रखा है ठीक है अरे काफ़ी बड़ा है लग रहा है चैप्टर ओ चलिए कोई नहीं यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं देन उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो बाद में आपको मिल जाएगा यहाँ पे हम मरीन इको की बात करें तो मरीन इको आपका थर्ड लार्जेस्ट सॉरी सबसे लार्जेस्ट आपका इको है जो कि स्टेबल सिस्टम है इस अर्थ पे है ना ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के साथ है इसकी सॉल्टी सॉल्टनेस की बात करें तो यहाँ पे एवरेज आपको थ्री पॉइंट फाइव परसेंट जो है आपको सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा एन एस सी एल एंड ट्वेंटी सेवन परसेंट जो सॉल्ट है वो वाइल्ड रेस्ट अदर इम्पोर्टेंट मिनरल जैसे कि आपका ट्वेंटी सेवन परसेंट अलग से जो आपके सॉल्ट्स वगैरह हैं जैसे कि कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम के बने जो सॉल्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें लिमिटिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मरीन लाइफ इज लाइट ठीक है जो आपका जो लाइट है वो जस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या है जो टेम्परेचर जो ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहता है यानी अगर हम टू डिग्री सेल्सियस आपका पोलर रीजन में से लेके बत्तीस डिग्री सेल्सियस आपका ट्रॉपिकल रीजन में आपको मिल जाएगा ठीक है पोलर रीजन में जस्ट नॉर्थ पोल साउथ पोल में आपका टेम्परेचर बहुत कम होता है देन मरीन हैबिटेट की बात करें तो यहाँ पे क्या है डिफरेंट जोन में आपको मिल जाएंगे बैंथेिक जोन में आपको अलग टाइप के मिल जाएंगे जैसे कि बैंथनिक आप देखें तो यहाँ पे काफी सारे डीप में पाए जाने वाले क्या है एनिमल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह दिया होगा एंड कुछ आपके क्या है रिप्रेजेंट द फ्री जोन फिलिंग तो कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे चार हज़ार फिट नीचे दो सौ फिट नीचे एक हज़ार फिट नीचे अलग अलग टाइप के स्पीसीज आपको मिल जाएंगे कई गहराई में रहने वाले भी हैं एंड देन ये जो बायोटा ऑफ ओशन है इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्चूर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंड और कौन सी टॉपिक है अरे ये तो खत्म ही हो गया नहीं नहीं कंप्लीट ही कर देते इसको ठीक है थोड़ा सा ही बचा है तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं बायोटा ऑफ ओशन की बात करें तो लाइफ <coughs> जो है यहाँ पे इज नॉट पर्टिकुलर एबेंडेंट ठीक है एक तरह से एबेंड पर्टिकुलरली एक जगह आपको नहीं मिलेगा थ्रू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ हाई और यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है ऑर्गेनिज की काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगी मेजर ग्रुप ऑफ एलगी मिल जाएगा यहाँ पे ओशन में होने वाले है ना कुछ बस्कुलर प्लांट्स भी होते हैं इंसेक्ट्स भी होते हैं ये सारी चीज़ मिल जाएंगे अलग अलग डेप्थ वाइज है ना एंड लाइफ फॉर्म भी मिल जाएंगे मरीन इकोसिस्टम की बात करें तो डिवाइडेड होता है लिटरल नेट्रिक पैलजिक एंड बैंथनिक जोन्स ठीक है ये सारे अलग अलग जोन्स है ठीक है लिटरल जोन तो आपको क्या है लेक में भी आपको देखने को मिलता है आपने जब भी वाई सी टी वन थ्री थ्री के बारे में पढ़ा था उसमें तो हमने लिटरल जोन लिमेनेटिक जोन या प्रोफोंडल जोन थ्री जोन होते हैं ना लेके हमने जस्ट बेसिकली पढ़ा था तो जो लिटरल कहते हैं ना वो ऊपर वाला होता है जोन ठीक है और जो पैलेजिक होता है बैंतनिक होता है वो चर्च नीचे वाला होता है ठीक है तो इसको क्या है चार रीज़न बांटा गया तो बायोटा ऑफ लेटरल जोन की बात करें लिटोरल जोन तो लेटरल जोन में कौन से बायोटास पाए जाते हैं तो ये जोन आपका क्या होता है सो रीज़न होता है यानी वैसा एरिया जहाँ पे आपके जो किनारे होते हैं ना जस्ट वो वाला रीज़न होता है ना समुद्र का किनारा तो यहाँ पे जो मरीन इकोसिस्टम है वो सब्जेक्टेड टू वॉयलेंस ऑफ वेव्स यहाँ पे वॉयलेंस मतलब वेव्स काफ़ी ऊंची ऊंची उठती है टाइट्स वगैरह आता रहता है फ्लक्चुएशन आपको वाटर लेवल में देखने को मिल सकता है जब हाई टाइड होगा तो क्या होगा वाटर लेवल बढ़ जाता है जब क्या होगा टाइड नहीं होता मतलब एक तरीके से लहरें कम होती है तो वहाँ पे वैटर लेवल डाउन हो जाता है तो जस्ट इस टाइप का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है वेरिएबिलिटी ऑफ टेम्परेचर आपको अलग अलग टेम्परेचर लाइट सेलिनिटी मॉइस्चर आपको देखने को मिलेगा कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो इस पूरा लेटरल जोन जो है उसको टर्म किया जाता है बीच में ठीक है जो भी आपका जो बीच वगैरह होता है गोवा हो गया या फिर जूहू हो गया ये सारे जो बीचज हैं वो जस्ट आपके क्या है जस्ट आपको लेटरल जोन कहलाया कहलाता है यहाँ पे यहाँ पे फ्यू स्पीसीज प्लांट के मिल जाएंगे इस जोन में कॉमन एनिमल्स की बात करते हो जस्ट आपको क्या है बीच के पास आपको स्नेल मिल जाएगा क्लाम्प बार्निकल्स मिल जाएगा क्रस्टेशियंस मिल जाएंगे काफ़ी सारे एनिलीड्स मिल जाएंगे सी एनिमोल्स मिल जाएंगे सी झिन मिल जाएंगे संख वगैरह जो सेल्स वगैरह होते हैं ना उस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो भी आपको मिल जाएंगे जो नेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइड्स ठीक है जस्ट वो क्या है टाइड्स के साथ भी कुछ कुछ बहुत सारे बह के आते हैं एनिमल क्या होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं टू डेसिकेशन इज यूजली अकॉर्डिंग हायर लेवल ऑफ दीज आर लेस रेजिस्टेंट ठीक है तो हायर लेवल के जो ऑर्गेन होते हैं रेजिस्टेंट रे, होते हैं आ, कुछ मोर रेजिस्टेंट भी होते हैं ठीक है बायोटा नरेटिक ओसनिक जोन की बात करें हम ये रिलेटिवली क्या होता है सेलो होता है और कैसा होता है कोस्टल जोन इन इज अ रिच ऑफ स्पीसीज यहाँ पे काफी सारे स्पीसीज मिलते हैं हाई इन प्रोडक्टिविटी ओनिंग फैक्टर सच एज पेनिट्रेशन ऑफ लाइट जो है आपका काफ़ी डेप्थ तक आपको मिल जाएगा हाई कंसनट्रेशन ऑफ न्यूट्रेंट भी मिलेगा यहाँ पे

नेट्रिक स्पीसी ठीक है जो ओपन सी स्पीसीज है उनको क्या है रिप्लेस कर देते हैं ये नेट नेरेट्रिक स्पीसी ठीक है यहाँ पे कमर्शियल फिशिज़ की बात करें तो आपका वेल हो गया है ना आ, क्या है फिश कमर्शियली जो हम यूज़ करते हैं वेल हो गया सील हो गया सी ओटर हो गया सी स्नैक हो गया है ना लार्ज स्कूट हो गया इन सब ये सारी चीज़ें मिलती हैं फिशेज न्यूमरस बहुत सारी अमाउंट में मिलेगा शार्क भी मिलेगा है ना सी ट्रॉट में मिलेगा सेलमोन भी मिलेगा तो सारी स्पीसीज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे कुछ वैसे भी एनिमल्स हैं जो कि आपको काफी वाइड वैरायटी में मिलेंगे जैसे कि क्लैम्स हो गया सरिम्स हो गया स्नेल हो गया लॉबस्टर हो गया क्रैब हो गया सी ककुम्बर हो गया स्टार फिश हो गया ब्रिटल स्टार हो गया एनिमल्स हो गया स्पॉन्जेस हो गया ब्रायोजुआ हो गया ये सारी चीज आपको क्या मिल जाएंगे ठीक है देन उसके बाद बायोटा और पैलेजिक जोन की बात करें तो ये आपको नाइन्टी परसेंट जो है टोटल ओशन के सरफेस में ये क्या है इज लेस रिच स्पीसीज क्या है मतलब काफी रिचनेस uh, इसमें क्या मिलेगी कम मिलेगी क्योंकि नाइनटी परसेंट ऑफ टोटल स्पीसीज है uh, uh, अपने पास रखता है और यह क्या है लेस रिचनेस मिलेगा यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है दो रीजन में ज्यादा होगा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है द मोस्ट एबेंडेंट पैलेजिक फाइटो जो आपका सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा uh, मतलब जो पैलेजिक फाइटो प्लान जो तैरने वाले होते हैं uh, जो फाइटो होते हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे और जो डायनोफ्लैगलेट्स होते हैं यानी डायटम्स जो कि आपके क्या होते हैं चीफ फोटोसिंथेटिक फीडर्स भी होते हैं एंड कार्निवरस भी होते हैं है ना uh, कुछ आपके कार्निवरस होते हैं सी कुकुम्बर हो गया सी उर्चिन हो गया क्रॉल करते हैं फ्लोर पे है ना ईटिंग डेट्रिटस क्या होते हैं सड़े गले मरे हुए जीवों को खाते हैं या फिर बैक्टीरिया को ईट करते हैं फूड के लिए तो ये ब्रिटल स्टार क्रैप्स वगैरह हो गए देन उसके बाद बायोटा बैंतनिक जोन की बात करें जो एकदम सरफेस से अटैच रहते हैं तो ये आपके वैसे हो गए ऑर्गेनिक जो आपके कैसे होते हैं हेट्रोफोबिक हेट्रोफिक रूटेड होते हैं एनिमल्स जैसे कि आपके सी लिलीज हो गए सी फैन हो गया स्पॉन्जेज हो गए ये आपको मिल जाएंगे स्नेल हो गया है ना ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कुछ मड स्टारफिश भी होते हैं जो कि एकदम कीचड़ से चिपका होता है को सी सीरचिन ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे एस्टोरेज की बात करें एस्चोरेज की बात करें ये आपका क्या है जो आपका रिवर हो गया लेक हो गया अल्टीमेटली क्या है जाके आपका क्या है आपका ओशन से जाके मिल जाता है ना? जैसे कि आपका गंगा हो ब्रह्मपुत्र हो ये क्या है एक समय आता है और वो क्या है वो जाके ओशन से जाके मिल जाता है और क्या फॉर्मेशन करता है जस्ट आ, हम कह सकते हैं डेल्टा बनाता है तो ये क्या है डेवलप हाईली स्पेशलाइज्ड जोन एक हाईली स्पेशलाइज जोन बनाता है जो कि प्रॉपर सी में ज्वाइन होता हुआ दिखता है ना तो वैसा जोन जो है आपका क्या है इस्टोरी कहलाता है याद रखिएगा इससे जोन जो डेल्टल डेल्टा जो फॉर्मेशन होता है जहाँ पे वो जोन आपका हिस्टरी कहलाता है ये ट्रांसेशनल जोन होता है बिटवीन सी एंड रिवर ठीक है रिप्रेजेंट करता है यूनिक इकोलॉजिकल फीचर बायोटिक कम्युनिटी काफ़ी बायोटिक कम्युनिटीज़ मिलते हैं यहाँ पे हिस्टरीज जो है आपका मोर प्रोडक्टिव सिस्टम होता है पूरी दुनिया में इस्टरी में आपको सेमी क्लोज्ड एनक्लोज पार्ट जैसे कि कोस्टल ओशन के आपके क्या है ब्रैकिश वाटर हो गया है ना फ्री कनेक्शन विद द शी ऑन द साइड ऑफ द अदर साइड तो ये सारी चीजें मिलेंगी ठीक है रिवर माउथ भी आपको मिलेगा रिसीव करता है फ्रेश वाटर और जो आपका ओशन वाला है वहां पे आपको ब्रैकिश वाटर मिलता है है ना तो जस्ट इस तरीके देखें इंडिया की बात करें तो इस सूरीज आपका क्या है सीन प्लान्टी अलॉन्ग दी कोस्ट केरला कोस्ट में मिल जाएगा है ना और क्या है सुंदरबन में भी आपको मिल जाए केरला में भी काफ़ी जो जो भी है वहाँ पे केरला में मिलता है और सुंदरबन डेल्टा जस्ट आपका पश्चिम बंगाल के पास मिलता है और बांग्लादेश में फीचर ऑफ़ एश्चूरियंस फीचर क्या है इसके तो डोमिनेंट फीचर की बात करें तो इसमें क्या है फ्लक्चुएशन आपको सेलिनिटी में देखने को मिलती है और सेलिनिटी ग्रेडियंट जो है समटाइम क्या है वो क्या है एश्चुरी में वो क्या है उनका जो पैटर्न ग्रेडियंट है वो अलग अलग सीजन में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा ठीक है विद दी ट्रोपोग्राफी मैं बता दूं क्यों अलग अलग देखने को मिले जब बारिश ज़्यादा होता है तो क्या होता है नदी में फ्लो बढ़ जाता है जब फ्लो बढ़ जाता है तो देन आपको क्या है सेलिनिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी वहाँ पे है ना और जब बारिश कम होता है या बारिश जिस सीजन में नहीं हो रहा होता है तो उस सीजन में आपको सेलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलती है विद द टाइड्स एंड द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ठीक है तो यही चीज़ इसमें भी लिखा है टोपोग्राफी हो गया या फिर टाइड्स हो गया या फिर फ्रेश वाटर के कारण भी सेलिनिटी अब मान लीजिए कि टाइट आता है तो क्या होता है पीछे का पानी ऊपर चढ़ने लगता है तो देन उसके बाद आपका सेलिनिटी आपका क्या है? इंक्रीज होने का काम होता है यहाँ पे बायोटा एश्चोरियन के बारे में लिखा है तो एश्चोरियन आपके कॉमनली आपके मिक्सचर होते हैं थ्री कॉम्पोनेट के मरीन फ्रेश एंड ब्रैकेस वाटर तीनों टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिल जाएंगे एश्चोरियन डाइवर्सिटी जो जिस प्लांट से से uh, uh, की बात करें फोर टाइप्स तो के पाए जाते हैं जैसे मार्जिनल मार्स वेजिटेशन हो गया फ्लैट हो गया एफिफाइटिक एफिकल प्लांट्स ग्रो होते हैं और मार्स वेजिटेशन आपको मिला है है डायटम ब्लू ग्रीन हो गया है ना और आपके कुछ साइट हो गए इंटेंस फोटो क्रैब एंड कुछ सी स्रिम्स हो गए ये सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है ट्रू फॉल्स में जस्ट आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसमें लिखा है क्या कि जो स्टोरीज है वो करेक्टराइज किए जाते हैं हाई सॉल्ट कंटेंट इन देयर देर तो जस्ट ये फॉल्स है ऐसा नहीं नहीं सही है सही है वहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे एश्यूरीज है करेक्टाइज प्रूव हो गई है ठीक है उस रीजन में आपका वो सॉल्ट जो है ज्यादा होता है क्योंकि वो वैसा रीजन होता है जस्ट जंक्शन होता है जंक्शन पॉइंट होता है नदी का जो जंक्शन नहीं कहेंगे जस्ट वो मिल रहा होता है ना ओशन से इसलिए यहाँ पे क्या होता है सॉइल कंटेंट हाई होता है है ना देन उसके बाद जो है डू नॉट सपोर्ट लार्ज ऑर्गेज तो इसमें कह रहा है कि भाई लार्ज ऑर्गेनिज सपोर्ट नहीं करता तो ये भी आपका फॉल्स है ठीक है यहाँ पे सेकंड यहाँ पे सेकंडली बात की जा रही है कि आपका जो फ्रेश वाटर मरीन वाटर के बाद आपका जो इस है सबसे ज़्यादा आपका आ, लाइफ ऑर्गेनिइ सपोर्ट करता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता देन इस जो है मोस्ट प्रोडक्टिव इको होता है बायोसफेर में बिल्कुल जी ट्रू होगा देन इस जो है नर्सरी ग्राउंड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ़ फ़िशेज़ यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो आपका एक तरीके से नर्सरी ग्राउंड होता है लार्ज नंबर ऑफ़ फ़िशेज़ का तो ये भी आपका सही है ठीक है काफ़ी सारे जो आपके क्या है न्यूट्रेटिव मेटल बह के आते हैं नदियों से तो देन वहाँ पे फिशेज के लिए काफ़ी ज़्यादा आ, एक तरीके से फूड के रिसोर्स की तरह काम करते हैं ठीक है तो नर्सरी ग्राउंड कह सकते हैं वहाँ पर बच्चे अंडे वगैरह ब्रीडिंग वगैरह करती है फिशेस तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा तो ये भी आपका ट्रू है ठीक है देन उसके बाद समरी है उसके बाद आपके कुछ टर्मिनल क्वेश्चन हैं टर्मिनल क्वेश्चन बस आप देख लीजिए जस्ट आपका इससे कुछ लेना देना होना नहीं है यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछा है फॉरेस्ट हमारी ज़िंदगी में आपको मालूम होना चाहिए आपका जो डेजर्ट है उसको डिस्क्राइब करना है और अडोप्ट कैसे करते हैं इन कंडीशन में डिस्कस करना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड ग्रास लैंड इको के बारे में एंड मोस्ट डायनेमिक इको के बारे में बताना योर व्यू एंड वाई ठीक है क्यों होता है एंड उसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ मरीन एंड एटोटेरियन इको के बारे में एस्टोटेरियन इको सिस्टम के बारे में जानना है ठीक है तो आपको मैं बता दूं बेसिकली जो इसमें एग्जाम होता है जस्ट वो एम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ठीक है तो इसमें से कहीं से भी आपके कोई भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और एम टाइप के होंगे तो आपको थोड़ा सा काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पॉइंट्स के बारे में जानना जरूरी है ठीक है तो इसलिए हम थोड़ा सा इन्हें पूरी बुक को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं अगर हम खुद से पढ़े तो और भी जल्दी हो जाए काम ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड आपको जो भी कमेंट है क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं देन उसके बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय